20,000 यात्री 40 दिन तक निशुल्क भोजन करते हैं। इतना सब कुछ हो रहा है लेकिन उसके बाद भी भिक्षावृत्ति क्यों? बाबा महाराज कहते हैं भिक्षा ये एक पेट भरने का साधन नहीं है, भिक्षा एक साधक की वृत्ति है, एक वृत्ति का नाम भिक्षा होता है। क्यों? भिक्षा मांगोगे तो तितिक्षा आएगी भिक्षा मांगने से। कोई गाली देगा, देखो आ गए बाबा जी बन गए, ना काम करते ना धाम करते हैं, तुम्हारा बाप यहाँ कमा के रख गया है। 10 खरी खोटी सुनने को मिलेंगी, सहन करने की शक्ति आएगी। तो ये एक पेट भरने का काम नहीं, ये एक साधक को तितिक्षा वृत्ति सिखाने की साधना है भिक्षा, भिक्षावृत्ति। तो बड़ी ऊंची साधना है, ब्रजवासियों की खरी खोटी सुनने को मिलेगी, कोई कुछ गाली देगा, कुछ कोई कुछ कहेगा, तो जब सहेंगे तो सहन शक्ति आएगी, तितिक्षा वृत्ति आएगी। तो ब्रजवासन के टूक झूठ पुनी, भूख लगे तब मांग खाऊंगो गिनो न सांझ सवेरो, और व्यास विदेही वृंदावन में हरि भक्तन को चेहो। जब इस रहनी जब ऐसी हो जाएगी तब अपने आप युगल सरकार के रास विलास का साक्षात्कार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा। यदि वैराग्य की आवश्यकता नहीं होती तो सब महापुरुषों की रहनी में वैराग्य नहीं होता। हम लोग सोचें कि भाई वैराग्य की क्या आवश्यकता है या ज्ञान की क्या आवश्यकता है, भक्ति ही ठीक है, लेकिन भक्ति में ज्ञान वैराग्य की भी आवश्यकता है। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी, इनके परिकर में एक भक्त थे रघुनाथ दास गोस्वामी पाद। जिस समय ये आए थे, अभी घर से भागे ही थे भजन करने के लिए, तो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने स्वरूप दामोदर जी को कहा कि रघुनाथ अभी नए नए आए हैं, इनका तुम ध्यान रखना। तो जब श्रीमन महाप्रभु जी प्रसाद पाते तो उनके जो सेवक थे गोविंद, वो प्रतिदिन भिक्षा मांग कर लाते। तो जब भिक्षा लाते तो महाप्रभु जी ने कह रखा था रघुनाथ अभी नए नए आए हैं, भिक्षा मांगना जानते नहीं हैं, इनको भी तुम भोजन दे दिया करो। तो एक दिन हुआ, दो दिन, तीन दिन, चार दिन, पांच दिन हो गए। रघुनाथ दास जी ने सोचा कि मैं सेवा करने के लिए साधु बना हूँ या सेवा कराने के लिए साधु बना हूँ, कोई दूसरा मांग के लाए तब मैं खाऊँ, ये तो ठीक नहीं है। तो उन्होंने वहाँ भोजन करना छोड़ दिया। जब भोजन करना छोड़ दिया तो कई दिन हो गए, गोविंद स्वामी गोविंद जी से पूछा चैतन्य महाप्रभु जी ने, भाई रघुनाथ कहाँ है, आजकल भोजन नहीं करते क्या? बोले प्रभु पता नहीं, हमने तो कुछ कहा नहीं, लेकिन उन्होंने भोजन करना छोड़ दिया है, तो क्या करते हैं? तो पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथ जी के मंदिर में सिंह द्वार पर खड़े होकर, और जो दर्शन करने दर्शनार्थी जाते थे, दर्शन करके जब लौटते तो जो प्रसाद लाते ठाकुर जी का, वो वहाँ पंक्ति में बहुत से भिखारी खड़े होते, तो उन्हीं की लाइन में रघुनाथ दास जी खड़े हो जाते। तो जब प्रसाद लाते तो सबको एक एक किनका देते, तो रघुनाथ दास जी भी हाथ ऐसे करके खड़े हो जाते, उन्हें भी प्रसाद मिल जाता, बस उसी से उसी को वो भोजन के रूप में स्वीकार करते। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी ने रघुनाथ जी को कहा, रघुनाथ सिंह द्वारे भिक्षा वृत्ति वेश्यार आचार, सिंह द्वार पर खड़े होकर और तुम दर्शनार्थियों की, ठाकुर जी के मंदिर के दरवाजे पे खड़े हो और आशा कर रहे हो दर्शनार्थी की, अब कोई आएगा अब दे जाएगा, तो बोले ये तो एक वेश्याओं का आचरण है, कौन क्या दे जाएगा कौन क्या देगा, ये साधक की रहनी नहीं है। क्यों? जितनी देर खड़े रहोगे उतनी देर प्रभु में तो मन रहेगा नहीं, अब कौन आया, किसने क्या दिया, अभी तक कोई नहीं आया, तो दूसरों के मुख की आशा करने की तुम्हारी आदत हो जाएगी, ये ठीक नहीं है ये रहने। तो वहां मांगना छोड़ दिया। फिर कैसे करें, कैसे जिए, कुछ तो खाने पीने को चाहिए। तो उस दिन से उन्होंने क्या किया, जो अन्न बच जाता था उस अन्न को लोग नाली में फेंक देते थे, और नाली में जब अन्न लोग फेंक देते थे, काम नहीं आता था, उस अन्न में से अन्न के दाने बीन बीन कर उसे धोकर और उसे रघुनाथ दास जी खाने लगे। एक दिन चैतन्य महाप्रभु जी को पता चला कि रघुनाथ
अब नाली में से बीन बीन कर अन्न खाते हैं। एक दिन दोने में भरकर और उसको अन्न को धोकर और खा रहे थे, तो उसी समय चैतन्य महाप्रभु जी दौड़ कर आए और उन्होंने एक मुट्ठी भरा और उन्होंने खाया। बड़े प्रसन्न हुए, बोले रघुनाथ अब तुम साधक की रहनी में आए हो। रघुनाथ दास जी को बड़ा दुख हुआ कि चलो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, निम्न पुरुष हूँ, मैं ये वस्तु खाऊं तो कोई बात नहीं। अब प्रतिदिन चैतन्य महाप्रभु जी आने लगे और वो जो खाते उसी में आधा वो खाते आधा वो खाते, तो रघुनाथ जी को बड़ा कष्ट हुआ। मैं महाप्रभु जी को ऐसा पदार्थ खाते हुए नहीं देखना चाहता। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने वह भी खाना छोड़ दिया और उसके बाद पाव भर छाछ, एक दोना भर के छाछ, एक दोना थोड़ा सा थोड़ी सी छाछ होती है, 24 घंटे में एक दोना छाछ पीते, 22.5 घंटे भजन करते और 1.5 घंटे में खाना पीना सोना अपना दैनिक कृत्य सब कर लेना। इतना सा छाछ पीते और 22.5 घंटे भजन किया करते, इतनी कठोर रहनी उनकी होगी। तो इन महापुरुषों के जीवन में क्या वैराग्य नहीं था? जीव गोस्वामी जी महाराज देखो, सनातन गोस्वामी पाद देखो, रूप गोस्वामी जी, कुम्मन दास जी महाराज, जितने भक्त हुए सबकी रहनी में वैराग्य था। वैराग्य आवश्यक था तभी तो था। सनातन गोस्वामी जी एक महीने में एक बार भिक्षा मांगते थे और जो भी कुछ भिक्षा में मिल जाता उसे अपना यमुना जी की रेती में गाड़ दिया करते थे। जब भूख लगती अपना मिट्टी हटाई और वो लिया, यमुना जी के जल में उस रोटी को धो लिया, अपना खा लिया और भजन कर रहे हैं। एक महीने में एक बार भिक्षा मांगते थे। जीव गोस्वामी जी महाराज चून को ऐसे ही पानी में भिगो के उसकी लिट्टी जैसी बना के उसको खाकर जीवन भर भजन किया और ऐसे ऐसे ग्रंथ उन्होंने बनाए षड संदर्भ, जिनको आजकल पढ़ना समझना बड़ा कठिन है, जिन्हें पढ़ाने समझाने वाले नहीं रहे। इतनी वैराग्यपूर्ण रहनी और ऐसा विलक्षण उनका ज्ञान। कुम्मन दास जी महाराज ऐसी वैराग्यपूर्ण रहनी थी कुम्मन दास जी की। राजा मानसिंह कई बार आया, आप कुछ ले लें, आप कुछ ले लें। कुम्मन दास जी ने कहा कि अब अगर तुम कुछ सेवा करना ही चाहते हो तो एक सेवा करो। बोले क्या सेवा करें? बोले आज के बाद हमारे पास कभी मत आना। रूप गोस्वामी जी, अकबर ने कहा महाराज आपके लिए कोई भवन बनवा दें। रूप गोस्वामी जी बोले अरे देखो ये हम किन भवनों में रहते हैं, कुंज निकुंजों की ओर उंगली की। और रूप गोस्वामी जी की कृपा से अकबर बादशाह को विलक्षण चिन्ह में वृंदावन का दर्शन हो गया, सुंदर रत्न मणियों से जटित है। बोले क्या ऐसा भवन तुम बनवा दोगे? बोले महाराज मैं तो सारी सल्तनत बेच के भी एक भी ऐसा मणि नहीं ला सकता। कैसी वैराग्यपूर्ण रहनी थी। उसी रहनी का सुखदेव जी महाराज ने यहां सबसे प्रारंभ में सबसे पहले उसी रहनी का वर्णन किया है। उसके बाद विभिन्न देवताओं की उपासना के विषय में बताया है। अकामह सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि है। पहले तो भिन्न भिन्न देवताओं की उपासना के बारे में बताया है। किसी को ब्रह्म तेज चाहिए तो बृहस्पति की उपासना करे, धन चाहिए तो कुबेर की उपासना करे। बहुत से देवताओं के नाम लिए लेकिन आखिर में बड़ी सुंदर बात कही। बोले अकामह सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि है। तीन प्रकार के जीव संसार में होते हैं। एक तो होते हैं अकाम, अकाम का मतलब जिन्हें कुछ नहीं चाहिए, निष्काम। एक होते हैं सर्वकाम, जिन्हें सब कुछ चाहिए, हम जैसे लोग। और एक होते हैं मोक्ष काम, जिन्हें संसार तो नहीं चाहिए पर मोक्ष की इच्छा है। तीन प्रकार की श्रेणियां हैं जीवों की। सुखदेव जी कह रहे हैं अकामह सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम हरिम। तीनों प्रकार के जीवों को श्री ठाकुर जी का भजन ही करना चाहिए। क्यों? मोक्ष जाने वाला है तो भजन से मोक्ष मिल जाएगा, जो निष्काम है उसे भजन से भगवान मिल जाएंगे,
जो सर्व काम है, जिसे सबको चाहिए उसे सब कुछ मिल जाएगा। तो सभी को कृष्ण उपासना करनी चाहिए, ये देवता की करें, वो देवता की करें। भागवत जी में लिखा है चतुर्थ स्कंद में, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ के जड़ में पानी लगाने से सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, वैसे ही ठाकुर जी की, भगवान श्री हरि की उपासना हो, उसमें सब देवी देवों की उपासना हो जाती है। इसलिए चाहे सर्व काम है, चाहे अकाम है, चाहे मोक्ष काम है, सबको यजेत पुरुषम हरिम, श्री कृष्ण उपासना करें, हरि उपासना करें, सब सिद्धियां मिल जाती हैं। बड़ी सुंदर बात शौनक जी महाराज ने आगे कही है, बोले भगवान, आयुर हरति वही पुंसाम उद्यन नस्तम चयन नसौ तस्यर्ते यत क्षणो नीत उत्तम श्लोक वार्तया। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं, प्रतिदिन भगवान सूर्य हमारी आयु को क्षीण करते हैं। जब से जिसने जन्म ले लिया उसी दिन से जीव मृत्यु की ओर लगातार बढ़ने लग जाता है। हम लोग तो जन्मोत्सव मनाते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, अरे वो कोई खुशी का विषय नहीं, वो तो दुख का विषय है। जीवन का एक साल निकला, 20 साल निकले, 40 साल निकले, अभी तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई, कोई भजन साधन नहीं हुआ, लगातार मृत्यु की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, काल की ओर बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव आयु को खींचते हैं हमारी, जितनी आयु हमारी भजन में जाती है उतना समय तो वो ठाकुर जी को दे देते हैं, और जो समय हमारा व्यर्थ के सांसारिक कार्यों में जाता है उसे वो काल की झोली में डाल देते हैं। इसलिए शौनक जी ने बड़ी सुंदर बात यह कही कि तरवह किम न जीवंती, भस्ताह किम न श्वसंत, न खादंती न मेहंती, किम ग्राम पशुओं परे। अगर देखो, जीने को तो पेड़ भी जीते हैं, वृक्ष भी जीते हैं, तो कोई कहे भाई ये सांस लेते तो दिखाई नहीं पड़ते, तो बोले क्या सांस लेना ही जीवन है? अगर सांस लेना ही जीवन मानते हो तो एक लोहार की धोकनी भी जड़ होती है, वो भी सांस लेती है, तो बोले सांस वो ले तो लेती है पर खाती पीती तो नहीं है, तो बोले क्या खाना पीना ही जीवन है? अगर खाना पीना जीवन है तो खाते पीते तो पशु पक्षी भी हैं। किम ग्राम पशुओं परे, पशु भी खाते पीते हैं, तो बोले पशु खाते पीते तो हैं पर उनके पास हमारे जैसा सुंदर शरीर तो नहीं है। क्यों, तुम्हारे पास क्या है? बोले देखो सुंदर कान है, सुंदर जीव है, पशु की कोई सुंदरता थोड़ी होती, पशु कोई सुंदर थोड़ी होता जितना मनुष्य सुंदर होता है। तो बोले अगर आंख नाक कान ही जीवन है तो ध्यान पूर्वक सुनो, बिले बतोरो क्रम विक्रमान ये न शृणवतः कर्ण पुटे नरस्य। जो दिखने में कान सुंदर लग रहे हैं, जिन कानों में भगवत कथा और भगवत कीर्तन नहीं गया है, वो कान कान नहीं, वो केवल सांप का बिल है। और जिस बिल में, अगर जैसे घर में मान लो कोई बिल बन गया और सांप उसमें घुस गया, तो घर में रहने वालों को सदा भय हो जाता है कि कभी भी सांप निकल सकता है, कभी भी खा सकता है। तो कथा कीर्तन रूपी अमृत अगर नहीं जा रहा है तो संसार की बातें जरूर जा रही हैं कान में, और संसार की जो बातें हैं यही हैं विषैला सर्प। इन सभी बातों का एक संस्कार पड़ता है और वो संस्कार कभी भी हमारे लिए घातक हो सकता है, कभी भी हमारा जीवन नष्ट कर सकता है। हम जब विषय की बात सुनते हैं, विषयी चर्चा हम करते हैं, तो इनका विष जमा होता है चित्त में, चित्त में ये सब बातें संस्कार बनाती हैं, और उन संस्कारों को कर्म के रूप में हम लोगों को भोगना ही भोगना पड़ता है। तो इसलिए कान में यदि कथा कीर्तन रूपी अमृत नहीं जा रहा है तो निश्चित है कि संसार का विषय विष रूपी चर्चा जरूर कान में जा रही है। सुंदर जीव भगवान ने दी लेकिन जिह्वा सती दार्द्र के, अगर जीव से ठाकुर जी का नाम नहीं लिया तो टर्र टर्र तो मेंढक भी करता है, मेंढक के पास भी जीव होती है, लेकिन उस जीव का क्या फल है, क्या मिलता है उस टर्र टर्र करने से मेंढक को?
और सबसे बड़ी बात तो कोई जीवन छवो, वो जीते जी आदमी मुर्दा है जिसके जीवन में भक्ति नहीं है। गोसाई जी महाराज ने कहा, जीवत शव समानते प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आने। हम लोग भले चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा पी रहे हैं, संसार के सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन मुर्दा की तरह हैं, मरे हुए की तरह हैं, अगर जीवन में भक्ति नहीं है तो। खाना पीना चार चीजें हैं जो मनुष्य में भी होती हैं और पशु में भी होती हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च। आहार हम लोग भी खाते हैं, पशु भी खाते पीते हैं। निद्रा हम तुम भी सोते हैं, पशु भी सोते हैं। भय, पशु को भी डंडा दिखाओ तो वो भी डरता है, और हमारी भी छाती पे भी कोई पिस्टल रख दे तो पसीना छूटेगा। मैथुन, पशु भी मैथुन क्रिया संतान उत्पन्न करता है, मनुष्य भी वह काम करता है। तो सामान्य मेहता तो पशु वीर नारायणा, जब पशु की और मनुष्य की सभी क्रियाएं समान हैं तो एक मनुष्य और पशु में फिर क्या अंतर रहा। ठाकुर जी की कृपा से मनुष्य योनि में भक्ति और भजन करने का जो विवेक है, जो शक्ति है, मनुष्य योनि में जो चेतना है, चैतन्य शक्ति है, विवेक शक्ति है, वो पशु योनि में नहीं हो सकती है। उसका सदुपयोग करते हुए भगवत भजन किया जाए, ठाकुर जी की भक्ति की जाए, क्योंकि मनुष्य की वृत्ति ही मनुष्य का स्वरूप होती है। हमारी जैसी वृत्ति है हम वैसे ही बन जाते हैं। वार्ता जी में कथा आती है, एक भक्त थे, एक बार गोस्वामी विट्ठल नाथ जी के पास गए। बोले, भगवान अब हम जगह जगह भ्रमण करते हैं, यात्रा करते हैं, तो ठाकुर जी को जब भोग लगाते हैं तो किसी ना किसी के घर से भोजन प्रसाद लाना पड़ता है, लेकिन ये कैसे जाने कि किसके घर के वस्तु ठाकुर जी को भोग लगाने योग्य है और किसके घर की नहीं है। तो गोसाई जी महाराज तो साक्षात प्रभु के अवतार, उन्होंने क्या किया, अपना एक वस्त्र दिया। बोले, तुम इस वस्त्र को ओढ़कर जाना, और वस्त्र को ओढ़कर जब जाओगे तो तुम्हें जिस व्यक्ति का जैसा स्वरूप होगा वो तुम्हें दिखाई पड़ जाएगा। तो उस वस्त्र को पहनकर जब निकले बाजार में तो देखा किसी दुकान पर शेर बैठा है, किसी पे कुत्ता बैठा है, किसी पे गीद बैठा है, किसी पे चील बैठी है। अरे राम राम, ये क्या, ये तो यहाँ मनुष्य दिखाई देने ही बंद हो गए। तो गए गोसाई जी के पास दौड़ते दौड़ते, गोसाई जी मुझे तो इस वस्त्र को पहनने से कोई मनुष्य ही नहीं दिखाई पड़ता है। बोले, ये मनुष्य हैं कहाँ, इनकी वृत्ति इनका स्वरूप है। किसी की क्रोध करने की वृत्ति है तो वृत्ति के अनुसार वो सर्प दिखाई पड़ रहा है, किसी के अंदर लोभ है तो वो गिद्ध के रूप में दिखाई पड़ रहा है, किसी के अंदर हिंसा वृत्ति है तो वो तुम्हें शेर और व्याघ्र के रूप में दिखाई पड़ रहा है, इनकी वृत्ति ही इनका स्वरूप है। तो पूरे बाजार में घूमाए मनुष्य तो कोई एकाध दो ही दिखे, बाकी सब पशु ही दिखाई पड़े। क्यों, वृत्ति ही मनुष्य का स्वरूप होती है, हमारी जो वृत्ति है वही हमारा स्वरूप है। भजन की वृत्ति, भक्ति की वृत्ति तो भगवत कृपा से ही बनती है, नहीं तो वृत्तियां राजसी तामसी ही बनी रहती हैं, और वही हमारा फिर स्वरूप बन जाता है। शौनक जी महाराज ने प्रार्थना की है, प्रभु आप कृपा करके। आगे सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को किन किन लीला चरित्रों को, कौन कौन से कथानकों को सुनाया है, आप कृपा पूर्वक हमें सुनाएं। तब आगे परीक्षित जी महाराज ने क्या पूछा है और सुखदेव जी महाराज ने क्या उत्तर दिया है, उसके विषय में सूत जी ने बताया है। परीक्षित जी ने सबसे पहले सृष्टि विषयक प्रश्न किए हैं, सृष्टि कैसे बनी है, इसके आधार कौन है, कौन बनाने वाले हैं, कैसे बनाते हैं। तब सुखदेव जी महाराज ने उस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व ठाकुर जी की स्तुति की है, क्योंकि कथा कहने जा रहे हैं तो कथा के पहले कुछ ना कुछ तो मंगलाचरण होगा, कुछ ना कुछ तो ठाकुर जी का नाम होगा। तो परीक्षित जी ने प्रश्न तो पहले भी किया था, सुखदेव जी ने तब क्यों नहीं मंगलाचरण किया, जब मरणासन्न जीव का क्या कर्तव्य है ये प्रश्न किया था। बोले, वो प्रश्न इतना सुंदर था कि उस प्रश्न को सुनकर सुखदेव जी मंगलाचरण करना ही भूल गए।
आगे जब स्मरण हुआ है, आगे जब याद आई है, तब सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। और मंगलाचरण के रूप में उन्होंने जो श्लोक गाए हैं, बड़े ही विलक्षण श्लोक हैं सभी श्लोक। एक श्लोक को हम लोग प्रणाम करेंगे, बहुत सुंदर श्लोक है। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाह खसादय ये ने च पापा यदुपाश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मयी प्रभविष्णवे नमः। बहुत सुंदर श्लोक है। किरात हूणांध्र, ये सब पाप योनियों के नाम गिनाए हैं सुखदेव जी ने। किरात हैं, हूण हैं, आंध्र हैं, पुलिंद हैं, पलकस हैं, खस हैं, यवन हैं, बोले ये सब पाप योनियां हैं। तो निरंतर जो योनियां पाप करती रहती हैं, निरंतर श्वाद चांडाल योनि है, कुत्ते का कच्चा मांस खाने वाली पाप योनियां हैं, तो ये पाप योनियां भी जिस समय ठाकुर जी का नाम लेती हैं, यदुपाश्रयाश्रया है, ठाकुर जी के का आश्रय लेती हैं या उनके आश्रित जनों का आश्रय लेती हैं, ठाकुर जी के नाम का आश्रय लेती हैं, तो शुद्ध्यंति तस्मयी प्रभविष्णवे नमः। भगवान के नाम का आश्रय लेने से पाप नीच से नीच योनियों का भी उसी क्षण कल्याण हो जाता है। ठाकुर जी के नाम में ऐसी विलक्षण शक्ति है। गोसाई जी महाराज ने भी मानस जी में कहा है, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन शठ मना, पाई न के ही गति पतित पावन राम भज सुन शठ मना। ठाकुर जी का नाम लेकर किसकी गति नहीं हुई, किसका उद्धार नहीं हुआ। गणिका अजामिल ब्याध गीद गजादि खल तारे घना, बहुत सो का नाम लिया। गणिका वेश्या थी, तोते को राम नाम पढ़ाने से उद्धार हो गया। अजामिल 88 वर्ष तक पाप किया। ब्याध ने ठाकुर जी के चरणों में बाण छोड़ा। इन सबका उद्धार हुआ। गिद्धराज जटायु का उद्धार हुआ, इन सबका उद्धार हुआ, गजराज का उद्धार हुआ, कितने ही पापी उन सब का उद्धार हुआ। आभीर जवन किरात खश स्वप जादियति अगरूप जे कही नाम बारक ते पावन हो ही राम नमा रघुवंश भूषण चरित यह नर कहीं सुनही जगावही कलिमल मनोमल धोय बेनु श्रम राम धाम सिधावही। कलिकाल में ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेने वाले, भगवान नाम का आश्रय पकड़ने वाले, उन सभी जीवों का कल्याण हो गया, सबका उद्धार हुआ, सबका कल्याण हुआ। सुखदेव जी ने बड़ी सुंदर बातें स्तुति में कही हैं। और उसके पश्चात आगे सृष्टि क्रम का सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित जी को वर्णन सुनाया है। एक समय देवर्षि नारद जी महाराज ब्रह्मा जी के निकट गए। वहाँ देखा ब्रह्मा जी नेत्र बंद किए हैं और ध्यान कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा, पितामह आप तो सारे संसार को बनाने वाले हैं, आपसे बड़ा कौन है, आप किसका ध्यान कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, तस्मै नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि यन मायया दुर्जयया माम ब्रुवंती जगत गुरु। बोले नारद, ठाकुर जी की माया ने जिनकी बुद्धि को हरण कर लिया है वो ही लोग मुझे जगत का गुरु मानते हैं, जबकि जगत गुरु मैं नहीं हूँ। जगत गुरु तो केवल भगवान हैं, मैं तो केवल उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझे सृष्टि बनाने की आज्ञा दी है तो मैं सृष्टि बना रहा हूँ।
जगत गुरु मैं नहीं हूं, जगत गुरु तो भगवान है। तो ब्रह्मा जी भी गबड़ा रहे हैं कि नारद जी हमें क्यों जगत गुरु कह रहे हैं, हम इस उपाधि के योग्य नहीं है, इस पद के योग्य नहीं है। अरे जगत के नियंता, जगत को बनाने वाले, जगत का पालन करने वाले जगदीश्वर सर्वेश्वर तो केवल भगवान ही है। और एक हम लोग हैं, हम लोग चाहते हैं कि कोई हमें जगत गुरु कहे या हम जगत गुरु बन जाएं। ब्रह्मा जी घबराते हैं इस उपाधि से, इन पदों से, ये प्रतिष्ठा से, मान सम्मान से, और हम लोग इन सब चीजों के भूखे मरते हैं। मीराबाई उन्होंने अपने एक पद में बड़ा सुंदर कहा, ये बदनामी लागे मीठी मायरी मोहे, ये बदनामी लागे मीठी। बोले मेरी कोई बुराई करे, निंदा करे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, मन बड़ा प्रसन्न होता है। कोई मोहे निंदो, कोई मोहे बिंदो, कोई निंदा करे, कोई वंदना करे, मैं तो चलूंगी चाल अनूठी, राणा जी मोहे ये बदनामी लागे मीठी। साकरी गली में गिरिधर मिलिया, जब ऐसी स्थिति हो जाएगी, जब अपनी बदनामी से, अपने अपयश से, अपनी बुराइयों से जब प्रेम हो जाएगा, तब कहीं ना कहीं चलते फिरते ठाकुर का दर्शन हो जाएगा। साकरी गली में गिरिधर मिलिया, दुर्जन लोगाने दीठी, मायरी मोहे ये बदनामी लागे मीठी। मीरा को तो गिरिधर मिलिया, मीरा को तो गिरिधर मिलिया, मुझे तो गिरिधर गोपाल मिल गए, और दुर्जन लोग ये अंगीठी में जलें, राग द्वेष की अंगीठी में जलें। मीरा को तो गिरिधर मिलिया, दुर्जन जलो अंगीठी, दुर्जन जलो अंगीठी, मायरी मोहे ये बदनामी लागे मीठी, ये बदनामी लागे मीठी, ये बदनामी लागे मीठी। अपयश से प्यार करें, कहीं मान प्रतिष्ठा मिले ना मिले, अपमान गले सों बधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं करके व्रत जन्म निभाना पड़े। भक्ति का मार्ग तो ऐसा मार्ग है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदा करने वाले, बुराई करने वाले महात्माओं की वाणी है, बोले माता से भी अधिक वात्सल्य होता है निंदक के अंदर, क्योंकि बालक का मल मैया हाथ से धोती है, पर निंदक लोग, बुराई करने वाले तो भक्त का मल अपने जीव से धोते हैं, जीव से चाट चाट के उसे साफ करते हैं। तो एक माँ से भी कितना अधिक वात्सल्य होता है, मैया मल को हाथ से धोएगी और बुराई करने वाले उन दोषों को जीव से कह कह के उनको दूर कर देते हैं, उनको चाट चाट के साफ कर देते हैं। इसलिए निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। निंदकों से बड़ा प्रेम करते हैं भक्त लोग, जो बुराई करेगा उसे अधिक सम्मान देंगे, घर में उसे बसाएंगे, भैया यहीं रह और तू यहीं हमारा हमारी शुद्धि कर, हमारा मार्जन कर। एक बड़े भक्त महात्मा थे, दिन रात भजन करते थे। एक कोई था हम जैसा कोई दुष्ट, उसका नियम प्रतिदिन सुबह सुबह आकर जब तक दो चार गाली ना दे दे महात्मा जी को आकर आश्रम के बाहर, तब तक उसका दिन आरंभ नहीं होता। तो महात्मा जी अपना संध्या को प्रतिदिन सबको कथा सुनाते,
और वो अपना आकर रोजाना दो चार गाली देकर जाता, नियम बना लिया था गाली देने का महात्मा जी को अकारण बिना कारण। तो एक दिन कुछ अस्वस्थ हो गया, नहीं आया। दूसरे दिन भी अस्वस्थता बढ़ती गई, बीमारी बढ़ती गई, तो नहीं आ पाया। तीसरे दिन उसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। यमदूत लेने आए, पकड़ लिया उसे, चल बहुत तूने पाप किए हैं, अब तुझे बताएंगे इन पापों को कैसे भोगेगा। यमदूत जब पकड़ के ले जाने लगे तो जहाँ महात्मा जी की कुटिया थी, जब आश्रम आया तो वो जो जीव था वो बोला, अभी दो मिनट रुक जा, मुझे अपना नियम पूरा कर लेने दो। तो उन्होंने कहा, भैया क्या नियम है रे, महात्मा का आश्रम है, हो सकता है कुछ दंडवत प्रणाम करे, चलते चलते इसकी बुद्धि सुधर गई हो। उन्होंने कहा, ठीक है अपना नियम पूरा कर ले, क्या नियम पूरा करना है। अब वो तो वहाँ आश्रम के बाहर आके लगा देने गाली महात्मा जी को, मरते मरते भी। अब जब गाली देने लगा तो महात्मा जी बाहर आए निकल के, भैया दो तीन दिन से तुम नहीं आ रहे तो हमारा मन नहीं लग रहा था, कहाँ चले गए थे। बोला, मैं तो अस्वस्थ हो गया और मैं तो मर चुका हूँ, मुझे तो ये यमदूतों ने यहाँ थोड़ी देर इजाज़त दी है, इसलिए यहाँ खड़े होके तुम्हें गाली दे रहा हूँ। तो महात्मा जी ने उसे पकड़ लिया, यमदूतों से डांट कर बोले, क्यों रे कहाँ लेके जा रहे हो इसको। तो बोले, इसने पाप किया है, आपको गालियां दे रहा है और साधु संतों का इसका इतना अवमानना करता है, इसे नरक में ले जाएंगे और कहाँ ले जाएंगे। ये आपका निंदक है, आपका बुराई करने वाला है, द्वेषी है ये आपका। महात्मा जी बोले, जब ये हमारा ही निंदक है तो हमारी वस्तु को तुम कैसे ले जा सकते हो। जब ये हमारा ही है तो तुम्हारा इस पे क्या अधिकार है, चाहे ये हमारा निंदक है, चाहे बैर करने वाला है, चाहे द्वेषी है, छोड़ो इसे। कल्याण किया उस पर, सब निंदा करने की जो दुर्वृत्ति थी, साधु संतों से बैर करने का जो अपराध मार्ग अपना रखा था, सब छूट छाट गया, उनके शरणागत हो गया, भक्त बन गया। तो इतना स्नेह, इतना प्यार वो अपने निंदा से, बुराई से, बुराई करने वालों से करते हैं। ब्रह्मा जी बोले, माम ब्रवंति जगत गुरुम, जो तुम मुझे जगत गुरु कह रहे हो इसका मतलब माया ने तुम्हारी बुद्धि को हर लिया है। अरे भैया हम कैसे जगत गुरु हो जाएंगे, जगत गुरु तो केवल भगवान है। विमोहिता विकथनते ममाहम इति दुर्धियः, माया से मोहित लोग मैं मेरापन की दुष्ट बुद्धि कर लेते हैं, दुष्ट आग्रह कर लेते हैं। ठाकुर जी ही एकमात्र जगदीश्वर हैं, वे ही जगत के गुरु हैं। उसके बाद बड़ा सुंदर सृष्टि का एक क्रम बताया है। वैसे तो सृष्टि प्रकरण जो है ये भागवत जी में बड़ा कठिन प्रकरण है, लेकिन महापुरुषों से जैसा सुना है, इसको समझने की सबसे जो सरल विधि है, सरल तरीका है, वो ये है। तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये तीनों गुण ही सब सृष्टि बनाते हैं, सारा संसार इन्हीं के द्वारा बनता है। आप कहीं भी देख लें, ये तीनों गुणों के बिना सृष्टि नहीं बनेगी। जीव का स्वभाव है तो कोई सात्विक है, राजसी है, कोई तामसी है। सृष्टि है तो जैसे शहद और घी, ये दो चीज़ें, अगर ये दो चीज़ें बराबर मात्रा में हो जाएं तो उसे खाने वाला मर जाएगा, और अगर ये दोनों चीज़ें शहद और घी कम ज़्यादा मात्रा में रहें तो ये बलवर्धक हो जाता है और शक्ति बढ़ाता है। वैसे ही सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, जब ये तीनों गुण बिल्कुल बराबर मात्रा में हो जाते हैं, जितना सतोगुण है उतना ही रजोगुण है, उतना ही तमोगुण है, तो उस समय सृष्टि में प्रलय हो जाता है। और जब ये तीनों गुण कम ज़्यादा रहते हैं, सतोगुण कभी ज़्यादा बढ़ गया, तमोगुण कम हो गया, रजोगुण थोड़ा ज़्यादा हो गया, जब ज़्यादा कम हो जाते हैं तो सृष्टि बनने लग जाती है। तो तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है उसका नाम प्रलय है, और तीनों गुणों का जो न्यूनाधिक्य अवस्था है उसका नाम सृष्टि है। सतरजतम अधिक कम मात्रा में है तो सृष्टि है, तीनों जब समान हो जाते हैं तो प्रलय हो जाती है, सब सृष्टि नष्ट हो जाती है। ये एक तरीका है सृष्टि प्रकरण को समझने का, ये सृष्टि कैसे बनी है, कैसे स्थिति सृष्टि की रहती है। रजोगुण बढ़ेगा संसार में, राजसी स्वभाव हो जाएगा जीवों का, तामसी तमोगुण बढ़ेगा, तामसी स्वभाव हो जाएगा। कम ज़्यादा मात्रा में रहते हैं तब ही सृष्टि बनती है।
तो ब्रह्मा जी को जब भगवान नारायण के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं तो ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा की सृष्टि बनाने की, लेकिन सृष्टि बनाने के लिए दो शक्तियाँ चाहिए, एक ज्ञान शक्ति एक क्रिया शक्ति। ना तो ब्रह्मा जी के पास ज्ञान शक्ति थी न क्रिया शक्ति। तब ठाकुर जी ने उनको आदेश किया तप करो, तपस्या से ये शक्ति मिलेगी। तब उन्होंने तप किया और तप करने के बाद ब्रह्मा जी को साक्षात भगवान का दर्शन हुआ। और जब भगवान का दर्शन हुआ तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, प्रभु अब आपके द्वारा मुझे ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति मिलेगी, फिर मैं सृष्टि बनाऊंगा, पर आप इतनी कृपा करें मुझे कभी अभिमान ना हो जाए सृष्टि बनाने का। और दूसरी मन में मेरे एक जिज्ञासा ये है कि आपके जो रूप हैं, कोई आपको सगुण साकार कहता है, कोई आपको निर्गुण निराकार कहता है, वस्तुतः आपका स्वरूप क्या है? आप सगुण हैं या निर्गुण हैं, या आप साकार हैं या निराकार हैं? ये एक बहुत बड़े जो तर्क बुद्धि वाले उन लोगों के लिए एक वाद विवाद का विषय बन जाता है, जबकि ये कोई वाद विवाद का विषय नहीं है, सीधी सी बात है। भगवान ने स्वयं बताया कि मेरा स्वरूप क्या है, और उन चार श्लोकों में भगवान ने जो उपदेश किया है वही भागवत जी में चतुश्लोकी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। इन्हीं चार श्लोकों की व्याख्या व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में किया, जो श्रीमद् भागवत ग्रंथ के रूप में बना। तो सबसे पहले ये ज्ञान स्वयं भगवान ने ही दिया है ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी से आगे नारद जी, फिर नारद जी से व्यास जी, तब व्यास जी ने भागवत जी को बनाया, फिर सुखदेव जी ने अध्ययन किया, सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, तब वहाँ सूत जी ने भी बैठकर सुना, फिर सूत जी ने आगे शौनकादिक ऋषियों को सुनाया, और इस तरह से भागवत कहने सुनने की परंपरा चली संसार में। तो सबसे पहले भगवान ने ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया, चार श्लोक हैं लेकिन बड़ा गूढ़ सिद्धांत इन चार श्लोकों के अंदर है। भगवान स्वयं बताने जा रहे हैं मेरा स्वरूप क्या है। चतुश्लोकी के पहले श्लोक के पूर्व में एक श्लोक है, यावानहं यथाभावो यद रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञानम अस्तु ते मदनुग्रह। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी, मेरे अनुग्रह से, मेरी कृपा से तुम्हें मेरे स्वरूप का ज्ञान होगा। यानी भगवान की कृपा ना हो तब तक बुद्धि वाद विवाद में पड़ी रहती है, उनके स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाता है। तो क्या स्वरूप है? तो भगवान कह रहे हैं, अहमेवा समेवाग्रे नान्यत यत सदसत परम पश्चादहम यदे तच्च यो वशिष्येत सोस्म्यहम्। जब सृष्टि नहीं थी तब भी मैं था, और जब सृष्टि है तब भी मैं हूँ, और जब सृष्टि में प्रलय हो जाएगा नहीं रहेगी तब भी मैं रहूँगा। सृष्टि की तीनों अवस्थाओं में भगवान सदैव विद्यमान रहते हैं, ऐसा मन में विश्वास हो जाए। तो भगवान रहते तो हैं पर किस रूप से रहते हैं? अरे हम भक्त लोग तो कहते हैं ठाकुर जी का श्याम वर्ण है, नीला वर्ण है, सुघड़ नासिका है, बड़ा सुंदर रूप माधुरी का वर्णन कहते हैं करते हैं। और ज्ञानी लोग कहते हैं कि उनका कोई रूप नहीं है, वो तो निराकार हैं, तो ज्योति मात्र हैं, प्रकाश मात्र हैं। तो क्या समझें, कौन सी बात सही है? तो ठाकुर जी कहले बोले दोनों ही बातें सही हैं। दोनों बात कैसे सही है? भाई जो सगुण है वो निर्गुण कैसे हो जाएगा, या जो साकार है वो निराकार कैसे हो जाएगा? तो बोले ठाकुर जी सगुण हैं, ये बात सही है, क्योंकि उनके अंदर भक्त वात्सल्य, दीनों पर कृपा करना, करुणा करना, दया करना, ये सब दिव्य गुण हैं, इसलिए भगवान सगुण हैं। और भगवान के अंदर संसार के गुण नहीं हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नहीं हैं, इसलिए भगवान निर्गुण हैं। संसार के गुण नहीं हैं इसलिए वो निर्गुण हैं, लेकिन दिव्य गुण उनमें हैं इसलिए वो सगुण हैं। अब बोले साकार और निराकार का क्या भेद है? तो बोले निराकार ठाकुर जी इसलिए हैं क्योंकि जैसे हमारा तुम्हारा आकार है, पांच भौतिक शरीर है, जरा सा जलाओ तो तुरंत जल के मिट्टी बन जाएगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के समन्वय से बना हुआ है।
तो ठाकुर जी का पांच भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वो निराकार हैं, लेकिन ठाकुर जी का दिव्य देह है, चिन्मय देह है, इसलिए वो साकार हैं, चिन्मय देह है। ब्रह्मा जी ने भी इस बात को दशम स्कंद में कहा है, अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। ठाकुर जी का जो स्वरूप है वो स्वतः सिद्ध रूप है। देखो हम लोग तो सुंदर बनने के लिए कहीं, जैसे हाथ है, हाथ को सुंदर बनाने के लिए कंगन पहनेंगे और क्या क्या धारण करेंगे, और मुंह पर भी सुंदरता दिखे इसके लिए धारण करते हैं, क्या क्या लगाते हैं, गले की शोभा बढ़ाने के लिए कोई हार पहनेगा, कोई चैन पहनेगा, लेकिन ठाकुर जी का जो विग्रह है वह है परम पदम भूषण भूषणांगम। वो हम लोगों की शोभा आभूषणों से बढ़ती है, लेकिन भगवान की शोभा से आभूषणों की भी शोभा बढ़ जाती है। ठाकुर जी का ऐसा स्वरूप है। जब श्याम सुंदर मिट्टी में खेलने चले जाते, बाल कृष्ण रूप था, छोटे से थे, तो मैया बार बार कभी कीचड़ में चले जाएं, गौरज का लेपन कर लें, मैया बार बार झरकारे, बार बार डांटे, अरे लाला तुम शू करोशी, बार बार मिट्टी में खेलता, ऐसा लगता है कोई पूर्व जन्म का सुअर रहा है। तो ठाकुर जी हंस जाते, मैया को तो बड़ा ज्ञान है, मैंने पहले शुक्रावतार भी लिया है, मैया सब जानती है, अंतर्यामी है मैया। तो जब मिट्टी लग जाती शरीर में तो हम लोग तो तुरंत धोएंगे, अरे भाई कहीं गंदे ना देखें, कोई क्या कहेगा। लेकिन वहाँ सुखदेव जी कहते हैं, पंकांग राग रुचिरा भूप गुह्य दुर्भ्याम। वह मिट्टी भी जब ठाकुर जी के अंग में लगती तो उस मिट्टी की भी चंदन की तरह शोभा हो जाती, सुंदर अंगराग की तरह वो मिट्टी चमकने लगती। तो ठाकुर जी का जो रूप है वो स्वतः सिद्ध है, उसको सजाना नहीं पड़ता। और हमारा जो शरीर है उसे हम लोग सजाते हैं, अनेकों प्रकार के संसाधनों से सजाते हैं, शोभा दिखे, अच्छे लगें, आकर्षण का केंद्र बने। और ठाकुर जी तो उनका अपने आप बिना सजाए बिना संवारे ही, वो तो स्वतः सिद्ध रूप है ठाकुर जी का। तो चिन्मय देह है, चिन्मय उनका रूप लावण्य है, रूप माधुरी है, सौंदर्य है, इसलिए वो साकार है। और पांच भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए वो निराकार है। रिति अर्थम यत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। बोले जहां भगवान है उसकी पहचान है, वहां माया नहीं होगी, और जहां माया है इसका मतलब वहां भगवान नहीं है। क्योंकि जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कहो कैसे रहे रवि रजनी एक ठाम। जहां सूर्य है इसका मतलब वहां अंधकार नहीं होगा, और अंधकार है इसका मतलब वहां सूर्य नहीं है। तो जहां प्रभु है वहां माया नहीं है, और अगर माया है तो इसका मतलब सीधा सा प्रभु नहीं है। फिर तीसरे श्लोक में कहा, भगवान सबके भीतर भी हैं और वो सबके बाहर भी हैं। ये बात बिल्कुल सही है, पर हम लोगों को तो ना तो भगवान बाहर दिखते हैं ना भीतर दिखते हैं, तो कैसे भरोसा किया जाए। तो भगवान ने गीता जी में स्वयं कहा, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या। बोले मैं जीव मात्र में हूं, सबके अंदर हूं, भजन करने वाला हो चाहे भजन न करने वाला हो, सबके भीतर हैं। लेकिन ठाकुर जी कह रहे हैं, जिनके अंदर भक्ति है उनको तो मैं अनुभव में आ जाता हूं, लेकिन जिनके अंदर भक्ति नहीं है उन्हें अनुभव में नहीं आता हूं। क्यों? दो चीजें होती हैं, जैसे एक पंखा है, पंखा अगर चलता रहे तो भी वो पंखा है, और अगर ये न चले तो भी पंखा है। वैसे ही हम सबके हृदय में भगवान हैं, पर एक होता है विद्यमान होना और एक होता है बरतना। हम जीवों के अंदर भगवान वर्तमान हैं, भगवान हैं, पर भक्तों के अंदर भगवान बरतते हैं, सब क्रियाएं करते हैं। तो इसलिए हमें अनुभव में भगवान नहीं आते, लेकिन भक्तों को अनुभव में आ जाते हैं। पंखा है, ये पंखा की विद्यमानता है, और पंखा चल रहा है, ये पंखा का बर्तना है।
तो हमारे हृदय में भगवान विद्यमान रहते हैं और भक्तों के हृदय में वो बरतते हैं। तो भक्ति के द्वारा भगवान को वो अनुभव में आ जाते हैं। जैसे मीरा जी ने कहा, रैन दिना वाके संग खेलूं, मैं तो दिन रात गिरधर गोपाल के साथ खेलती हूँ। भक्तों के साथ वो लीला कर रहे हैं, उनको अनुभव में आ रहे हैं। हमारे साथ लीला नहीं करते हैं जरूर, पर लीला नहीं हो रही क्योंकि वो भाव राशि नहीं है, वो भक्ति नहीं है, तो इसलिए हमें अनुभव में नहीं आते हैं। फिर चौथे श्लोक में सबका सार कहा, एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। बस जानने योग्य इतनी सी बात है, भगवान सर्वत्र हैं और सर्वदा हैं, ऐसा मन में विश्वास हो जाए। अगर विश्वास हो गया तो समझ लें संपूर्ण भागवत धर्म समझ में आ गया। भगवान सब जगह हैं और हमेशा हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हैं। कोई कहेगा भाई क्या ठाकुर जी के भी नाम होते हैं, वो तो अनाम है, क्या भगवान का भी रूप होता है, वो तो अरूप है। तो वेदों ने भी इस बात को कहा है, अपाणि पादो जवनो गृहीता पश्यत्य चक्षु सशणोत्य कर्णः। अपाणि पादो जवनो गृहीता, उसके पैर नहीं है फिर भी वो चल रहा है, उसके हाथ नहीं है फिर भी वो सब काम कर रहा है, वो अजन्मा है फिर भी वो जन्म ले रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की भक्त गाते हैं। और जो अजन्मा है जिसका जन्म नहीं होता वो भी जन्म ले रहा है, जो कोई अकर्मा है जो काम नहीं करता, कोई कर्म जैसे बंधन नहीं होता, वो भी लीला कर रहा है। यशोदा मैया के कहीं चोरी कर रहा है, कहीं गोपियों के यहाँ चोरी कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ठाकुर जी का अस्तित्व वो हैं, हमें ये विश्वास हो जाए, बस यही भागवत धर्म है, चाहे वो किसी भी रूप में है। निर्गुण हो निराकार हो चाहे सगुण साकार हो, कैसे भी हैं पर वे तो हैं, न वाद है ना विवाद है, मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद है। जीवन के संग जो भी मिला वह सब प्रभु का प्रसाद है। सब नाम है सब रूप है, वे अनाम है वे अरूप है, सगुण कहो निर्गुण कहो यह बात तो निर्विवाद है, मुझको तो श्री गुरुदेव के बस एक वचन की याद। श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य हुए हैं श्री पीपा जी महाराज, उन्होंने बड़ा सुंदर एक दोहा कहा, बोले सगुण मीठो खाण सो और निर्गुण कड़वो नीम, जाका गुरु जो परस दे ताही प्रेम सो जीम। सगुण रूप की उपासना है वो मीठी उपासना है, ठाकुर जी का ये रूप है, ये उन्होंने लीला की, तो उसे गाने में उस मार्ग पे चलने में बड़ा आनंद है, बहुत सहज है। निर्गुण उपासना जो है वो थोड़ी कठिन उपासना है। ठाकुर जी ज्योति मात्र हैं, प्रकाश मात्र हैं, अब आंख बंद करो, प्रकाश का ध्यान करो, ज्योति का ध्यान करो, ज्योति ध्यान में आए ना प्रकाश ध्यान में ना आए, मन इधर उधर भटके तो थोड़ा मार्ग कठिन हो जाता है। मार्ग वह भी सही है, सत्य है, पर बोले सगुण उपासना मीठी उपासना है और निर्गुण उपासना कड़वी उपासना है।
जाका गुरु जो परस दे ताही प्रेम सो जीन। गुरुजन जैसी पद्धति बता दें, क्योंकि रोगी के रोग के और रोगी की हैसियत के अनुसार ही जो अच्छे चिकित्सक होते हैं वो वैसा ही उपचार करते हैं। तो जो सच अच्छे जानने परखने वाले जो गुरुजन होंगे वो जान लेंगे भाई ये कैसी भक्ति कर सकता है, तो उसे वैसे ही मार्ग में लगा देंगे। और गुरुजन जैसे मार्ग में लगा दें उसे उनकी कृपा मानकर उस पर उसका अनुसरण करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। जिस मार्ग में अधिक मन लगे, जिसमें अधिक रुचि है, उसी मार्ग को पकड़ लो। सभी मार्गों का लक्ष्य, सबका गंतव्य तो ठाकुर जी हैं, पहुंचाने वाले तो सब प्रभु तक हैं, लेकिन ये एक सरल और सहज मार्ग है। तो बड़ा सुंदर चतुश्लोकी का वर्णन किया है सुखदेव जी महाराज ने। उसके बाद पुराणों के 10 लक्षणों के विषय में बताया है, और इस तरह से यहाँ तक दूसरे स्कंद की कथा समाप्त हुई। 2 मिनट हम लोग ठाकुर जी का नाम संकीर्तन कर लें, जिससे थोड़ी फुर्ती आ जाए आगे की कथा सुनने को, फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया प्रिय राधे प्रिय राधे श्याम 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 श्
आगे शौनक जी महाराज ने सूत जी से जिज्ञासा की है, जिस समय विदुर जी महाराज कौरवों को छोड़कर तीर्थ यात्रा करने गए हैं, उस समय विदुर जी और मैत्रेय जी का क्या सत्संग हुआ है, आप कृपा करके वह पावन चर्चा हमें सुनाएं। शौनक जी ने जो जिज्ञासा की है, यही जिज्ञासा परीक्षित जी ने की सुखदेव जी से, क्योंकि दो महापुरुषों के मध्य जो सत्संग होगा वो कोई सामान्य नहीं होगा। परीक्षित जी महाराज की जिज्ञासा को सुनकर सुखदेव जी महाराज विदुर जी के भक्ति रस में डूब गए। बोले, पौरवेंद्र गृहम हित्वा प्रविवेशात्म सात कृतम। परीक्षित जी, उन विदुर जी का चरित्र सुनने की तुमने इच्छा की, जिनकी भक्ति ऐसी थी कि भगवान बिना बुलाए विदुर जी के घर गए थे। स्वागत की तैयारियां दुर्योधन ने की, लेकिन ठाकुर जी उसके सब तैयारियों को, सब भोजन व्यंजन सब छोड़ छाड़ के विदुर जी के घर पहुंचे। विदुर जी के यहाँ गए तो वहाँ विदुरानी काकी ने ऐसी प्रेम विवल हो गई, प्रेम बावड़ी हो गई कि केले की जगह छिलके खिलाए तो वह भी खाए। वंशः को विदुरस्य, इससे यह ज्ञात होता है कि भगवान की प्राप्ति के लिए ऊंचा वर्ण और कुल ये अपेक्षित नहीं है कि भाई ब्राह्मण कोई भगवान मिलेंगे या रूपवान कोई मिलेंगे या धनवान कोई मिलेंगे या बलवान कोई मिलेंगे। भक्ति जिसके अंदर है, भागवत महात्म्य में लिखा है, नारद जी कह रहे हैं, तुम तु भक्ति प्रिया तस्य सर्वतो प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृहेष्वपि। भक्ति को कह रहे हैं नारद जी, देवी तुम्हारे बुलाने पर तो भगवान एक चांडाल के घर में भी आ जाते हैं, और जितने भक्त हुए, सदन जी थे, कसाई थे जाति के, चोखा मेला थे, चमार थे, वाल्मीकि जी स्वपच थे, गोराई कुम्हार थे, नामदेव जी छीपी थे, लेकिन सबको ठाकुर जी ने, इन्हें जो प्रभु की प्राप्ति हुई, सदन कसाई के यहाँ तो ठाकुर जी बड़े विलक्षण तरीके से रहते थे, कसाई थे तो मांस काटते नहीं थे, लेकिन अब कसाई जाति ऐसी है तो उसमें जो परंपरा से कार्य चला आ रहा है वो तो उनको करना ही पड़ेगा। मांस को बेचते थे सदन जी, कहीं से एक दिन मार्ग में उनको
जा रहे थे तो रास्ते में शालिग्राम भगवान पड़े हुए मिल गए। सदन जी ने सोचा कि ये बड़ा अच्छा गोल मटोल चिकना सा पत्थर है और इससे मैं मांस तोला करूँगा। तो शालिग्राम भगवान के विग्रह को ले आए और अपने करने लगे कार्य। ठाकुर जी को कृपा करनी थी। आश्चर्य ये था कि विचित्र बात ये थी कि आधा किलो अगर मांस तोलना होता था तो वो जो विग्रह था गोल मटोल वो आधे किलो का हो जाता, एक किलो मांस तोलना होता तो वो एक किलो का भी काम कर देता, 5 किलो तोलना होता तो वो 5 किलो भारी हो जाता। सदन जी ने कहा ये बढ़िया पत्थर हाथ लगा है, तो उसी से अपना मांस तोला करते थे। एक दिन वहाँ से ब्राह्मण निकला कोई कर्मकांडी, तो उसने देखा राम राम ठाकुर जी शालिग्राम भगवान से कितना बड़ा ये पाप कर रहा है अनजान में, इससे मांस तोल रहा है। उसने जाकर सदन को कहा रे तुम बहुत बड़ा अपराध कर रहे हो, अरे ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, शालिग्राम भगवान की प्रतिमा है। तो महाराज मैं तो जानता नहीं, मेरे से तो अपराध हो गया, ऐसा है आप ले जाओ इसे। तो वो ब्राह्मण जो थे वो ठाकुर जी के विग्रह को ले आए और लाकर अपना घर में पहले प्रभु आपको खूब बहुत दिनों तक इसने बड़ा अशुद्ध अवस्था में रखा, खूब पंचगव्य से पंचामृत से सबसे स्नान कराया, बढ़िया सिंहासन पर विराजमान किया, बहुत वेद मंत्रोच्चारण के साथ पूजा की। तो रात्रि के समय ठाकुर जी ने सपना दिया, बोले मुझे तुम्हारी भक्ति पसंद नहीं है, मुझे सदन के घर पहुँचाओ, वहाँ तो मैं दिन भर झूला झूलता था तराजू पे, तुमने तो यहाँ मुझे ऐसे ही बिठा दिया। बोले तुम्हारी भक्ति हमें पसंद नहीं है, वो इतने भाव से हमें झूला झुलाता था और उसकी भक्ति तो अलग ही थी विलक्षण, हमें तुम्हारी भक्ति ठीक नहीं लगती, इतने दो दो चार चार घंटे मंत्र जपते हो हम तब तक भूखे ही मर जाएं। तो ठाकुर जी की आज्ञा हुई, अगले दिन ब्राह्मण उठे और जल्दी से गए सदन कसाई के यहाँ, बोले प्रभु को तो आपके यहाँ ही रहना अच्छा लगता है, आप लो इन्हें और जैसे इच्छा हो वैसे आप इनकी पूजा करो। तो उस दिन से अब सोचने लगे कि ठाकुर जी को अधिक देर तक तराजू में बिठाना ठीक नहीं है, तो सदन जी ने वो शालिग्राम की जो बटिया थी वो अपने मुंह में रख लेते, जब मांस तोलने का काम होता तो मुंह से निकाल के फिर तोल लेते और जब काम पूरा हो जाता तो फिर उसे मुंह में रख लेते। ठाकुर जी का साक्षात्कार हुआ सदन जी को, साक्षात रूप से उनके साथ लीलाएं हुई, ठाकुर जी खेलने लगे। कसाई थे, कार्य भी निम्न, जाति भी निम्न, लेकिन उसके बाद भी जो भोली भाली सीधी सादी भक्ति है उस भक्ति के प्रभाव से ठाकुर जी ने दर्शन दिया, साक्षात्कार हुआ, लीलाएं हुई, बड़ा लंबा बड़ा सुंदर रोचक चरित्र है। चोखा मेला भक्त हुए हैं, जाति के चमार थे, एक दिन चोखा मेला जी महाराष्ट्र में भक्त हुए हैं। एक बार अपना बाजार गए किसी काम से कोई वस्तु खरीदने, तो देखा कि बड़े अच्छे ताजे ताजे केले रखे हुए हैं दुकान पर, तो मन में इच्छा हुई कि पंढरीनाथ भगवान को इनका भोग लगाया जाए। केला आए, गए थे किसी काम से और अपना केला लेके लौट आए, अपना कार्य नहीं किए। मंदिर में गए, पुजारी से प्रार्थना की ये केला उन प्रभु को भोग लगाओ, तो पुजारी ने बड़ी जोर से फटकारा, अरे तू चमार कैसे घुसाया मंदिर में, ठाकुर जी को कहीं तेरे अशुद्ध वस्तु का भोग लगेगा, जा भाग जाए यहाँ से। केला लिए और पुजारी ने फेंक दिए, उठाया केलों को, बड़ा मन में कष्ट हुआ, इस बात का नहीं कि मेरा अपमान हुआ, कष्ट इस बात का था कि क्या मेरी ऐसी जाति ऐसा वर्ण हो गया कि मेरे भाग्य में ठाकुर की सेवा भी नहीं है, ठाकुर की भक्ति भी मैं मेरा अधिकार नहीं है। रात्रि भर सोए नहीं ठीक से, बड़ा मन में कष्ट रहा। आधी रात को ठाकुर पंढरीनाथ भगवान आए रुक्मणी जी के साथ, आधी रात को आकर बोले अरे चोखा मेला आज तो हमने भोजन ही नहीं किया, कहाँ है तुम्हारे केले, जल्दी दो बहुत भूख लगी है। अरे प्रभु मैं तो जाति का चमार हूँ, आप मेरे केले खाएंगे, अरे तुम्हारे केले खाएंगे तभी तो यहाँ आए हैं, जल्दी दो। तो छील छील के खिलाने लगे, ठाकुर जी पाने लगे। अब जब खूब पेट भर गया, पेट भर के पहले तो खा लिया, फिर जानबूझ के केले के छिलके ठाकुर जी मंदिर में ले गए, भक्त महिमा का प्रकाश करना था।
मंदिर में ले जाके और बचे हुए केले केले के छिलके रख दिए। अब सुबह उठे पंडा पुजारी, देखा कि ये माना नहीं, ये चोखा मेला, और इसने ठाकुर जी को ही अपनी अशुद्ध वस्तु का भोग लगा ही दिया। अब गए सबके सब पंडा पुजारी घर में, जाके चोखा मेला जी की बड़ी पिटाई की, खूब मारा। ठाकुर जी के साथ जब एक बार मना कर दिया तुझे, फिर भी तू अशुद्ध कर्म छोड़ नहीं रहा है, तेरी अशुद्ध वस्तु को भगवान कैसे ग्रहण करेंगे। तो जब लौट कर आए तो ठाकुर जी ने अपने द्वार बंद कर लिए मंदिर के, घुसने नहीं दिया भीतर। बड़े गिड़गिड़ाए, देरी पर सिर घिसे, माथा पटके, प्रभु खोल दें खोल दें। बोले ऐसे नहीं, जाओ चोखा मेला को प्रणाम करो, जाके क्षमा याचना करो, उनको अपने कंधे पर बिठा के लाओ। गए हैं पंडा पुजारी, उनके चरणों में क्षमा याचना की है, अपराध हुआ, बहुत बड़ा अपराध हुआ। चोखा मेला जी को अपने कंधे पर बिठा के लाए हैं, और जब लाए हैं तो पंडा पुजारियों के आगे भगवान ने मंदिर का द्वार नहीं खोला। और जैसे ही चोखा मेला जी आकर द्वार पर खड़े हुए, उसी समय ठाकुर जी ने द्वार खोल दिए, चोखा मेला को अपने हृदय से लगा लिया, नेत्रों से आंसू बहने लगे, और साथ ही सावधान कर दिया उन पंडा पुजारियों को, आज के बाद ऐसा अपराध फिर दोबारा कभी मत करना। अरे भक्ति में सबका अधिकार है, बड़ी है कृष्ण नाम की ओट। बैठत सवे सभा हरिजू की, कौन बड़ों को छोट। ये तो ठाकुर जी की सभा है, भक्ति सभा, इसमें कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, भगवत ठाकुर जी की सभा में सबका समान अधिकार है। शरण गए को काढ़ देते नहीं, जो शरण में पहुंच जाए उसे ठाकुर जी कभी नहीं निकालते, कभी उसका त्याग नहीं करते, और करत कृपा की ओट, और उस पर कृपा ही कृपा करते हैं। सूरदास पारस के परसे मिटे लोह की खोट। जैसे पारस मणि की ये विशेषता होती है कि लोहा, खोटा से खोटा लोहा भी अगर पारस से स्पर्श हो जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, वैसे इस भक्ति धर्म में जो दीक्षित हो गया, वो किसी भी वर्ण का है, किसी भी जाति का है, भक्ति से जीव भक्तिवंत अति नीचहु प्राणी, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी, भगवान राम ने स्वयं कहा है। अत्यंत नीच भी है तो वह मेरा प्राण प्रिय है, प्राणों के समान प्रिय, क्यों, भक्ति है उसके अंदर, वही भक्ति, उसी भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप श्री विदुर जी महाराज। सुखदेव जी कहते कहते विवल हो गए, बोले प्रविवेशात्म सात कृतम, वो विदुर जी जिनके घर बिना बुलाए भगवान चले गए थे, और विदुरानी काकी के केले भी नहीं छिलके खाए, उनमें भी उन्हें बड़ा स्वाद आया। भक्ति के द्वारा तो शबरी मैया ने भी झूठे बेर खिलाए थे, और गोसाई जी महाराज ने एक पद में कहा है, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, सो चरचो न चलाई। जब राम जी अयोध्या में आए हैं तो दंडकारण्य के ऋषि मुनियों की चर्चा नहीं की उन्होंने, कि वो ऋषि मिले, वो महात्मा मिले, उन्होंने इतने लाख तक वर्ष तक साधन किया, किसी ऋषि मुनि की चर्चा राम जी ने नहीं चलाई। और बार ही बार गीध शबरी की बरनत प्रीति सुहाई, रघुवरी रावरी इह बढ़ाई। और बार बार गिद्धराज जटायु और शबरी मैया, इन दो को ही प्रभु ने बार बार याद किया, बार बार स्मरण किया इनकी भक्ति को। इसलिए सूरदास जी ने भी एक पद में कहा, कौन प्रभु की रीत ऐसी, कौन प्रभु की रीत। ठाकुर जी की कृपा करने की पद्धति बड़ी विलक्षण है। विरद हेतु पुनीत परिहरी पावरन सो प्रीति, ऐसा इनका विरद है, पुनीत परिहरी, पवित्र आत्माओं को छोड़ देंगे, बड़े बड़े योगी ध्यानियों को छोड़ देंगे, और पावरन सो प्रीत, पावरों से पातकियों से विशेष प्रेम करते हैं, पापियों से इनका विशेष प्रेम है। कैसे, बोले देखो इसका उदाहरण है, गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, और मात की गति दई ताहि कृपालु यादव राय। स्तनों में जहर लगा के पूतना गई थी मारने के लिए, और उसे भी ठाकुर जी ने उसका स्तन पान भी किया, दुग्ध पान भी किया, और उसे मैया और बना लिया। यशोदा मैया को जो गति बाद में दी, वो पूतना को पहले दे दी। उनसे अधिक दयालु कृपालु कौन हो सकता है।
कौन प्रभु की रीत, कैसी कृपा करने की विलक्षण उनकी रीति है, विलक्षण उनका तरीका है। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का लगाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही हरि भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं। किस गुणों पर कृपा कर दें, किस क्रिया पर वो रीझ जाएं, कुछ पता नहीं है। विदुर जी महाराज जिन्हें भरी सभा के बीच में दुर्योधन ने अपमानित किया, बात इतनी सी थी, धृतराष्ट्र को विदुर जी समझा रहे थे, भैया स एष दोषः पुरुष द्विडास्ते गृहान प्रविष्ट हुए मपत्यमत्य, ये दुर्योधन आपका बेटा नहीं है, पाप है जो बालक बन के आ गया है, सारे कुल को कृष्ण विमुख कर रहा है। अगर आप कुल का मंगल चाहते हैं तो दुर्योधन को छोड़ दो, सारे कुल का कल्याण हो जाएगा। दुर्योधन ने बस इतना सुना था कि और लगा विदुर जी को गाली देने, दास्यः सुतम् किं बलि नैव पुष्टम्, अरे इस दासी के पुत्र को यहाँ किसने बुलाया, माता की गाली दी, दासी का बेटा कहा विदुर जी को, भगा दो इस विदुर को हमारे राज्य से। निर्वास्यताम आशु पुराच्छ्वसान, जीते जी निकाल दो, नहीं तो मैं अभी समाप्त कर डालूंगा। विदुर जी ने सुना है तो विदुर जी को कोई लोभ थोड़ी था राजमंत्री पद का, उन्हें किसी से क्या लेना देना, अपने आप सब छोड़ छाड़ के चले गए विदुर जी। और उसके बाद 36 साल तक विदुर जी ने तीर्थ यात्रा की है, उसी बीच महाभारत भी हो गया, सब कौरव भी मर गए, और जब कौरव मर गए हैं उसके बाद फिर विदुर जी लौटे हैं। अगर विदुर जी का अपमान दुर्योधन न करता तो कौरवों का कभी नाश नहीं होता। जैसे अगर विभीषण जी का अपराध रावण नहीं करता तो रावण का भी नाश नहीं होता। पर अस कही चला विभीषण जब ही आयु हीन भय सब तब ही, अपराध किया है, लात पे लात मारी है, और विभीषण जी कहते गए तुम पितु भले हो सरे से मोही मारा, तुम पितु सरे से भले हो मोही मारा, आप तो मेरे पिता समान है, जितना मार सको मारो। विभीषण जी का अपराध किया और रावण का संपूर्ण लंका सहित नाश हुआ, विदुर जी का अपराध किया दुर्योधन का कौरव सहित नाश हुआ। धर्म दोनों ओर था, धर्म कौरवों की ओर भी था विदुर जी के रूप में, विदुर जी धर्मराज के अवतार हैं, और पांडवों की ओर युधिष्ठिर जी धर्मराज के अवतार हैं। लेकिन पांडवों ने धर्म का सदैव अनुगमन किया और कौरवों ने धर्म को राज्य से बाहर निकाल दिया। और ये नियम है, धर्मो रक्षति रक्षतः, धर्म की आप रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। उन्होंने धर्म को निकाल दिया राज्य से बाहर, तो क्या हुआ, कुल का समूल नाश हुआ, कोई नहीं बचा। और विदुर जी महाराज उसके बाद 36 साल तीर्थ भ्रमण किए हैं, बड़े बड़े संत महापुरुषों से सत्संग किए हैं, उद्धव जी से सत्संग किए हैं, मैत्रेय जी से सत्संग किए हैं। सबसे पहले उद्धव जी मिले हैं यमुना किनारे, संपूर्ण रात्रि कृष्ण चर्चा में विदुर जी महाराज ने उद्धव जी से व्यतीत की है। उद्धव जी भी ठाकुर जी के बड़े प्यारे सखा हैं, जब कृष्ण चर्चा इनसे आरंभ की है तो उद्धव जी महाराज 2 घड़ी तक तो ऐसा प्रेम का आवेश छाया
कि उद्धव जी के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा, हृदय गदगद हो गया, वाणी रुक गई, बोल नहीं पाए, मैं कैसे उस पवित्र चर्चा को करूं, कैसे कृष्ण चर्चा आरंभ करूं। फिर जब आरंभ किए हैं तो बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं, यन्मर्त्य लीलौ पयकम स्वयोग माया बलम दर्शयता गृहीतम। ठाकुर जी अपनी योग माया के बल को दिखाते हुए देखो तो सही कैसी मानवी लीला कर रहे हैं। एक छोटे से बालक बन गए हैं, रोए गाए हैं, मथुरा में कारागार में जन्म ले रहे हैं, गोकुल में 11 साल लीला कर रहे हैं, फिर मथुरा लीला कर रहे हैं, द्वारिका लीला कर रहे हैं। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्दे, उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, ऐसा ठाकुर जी का रूप लावण्य है कि कभी कभी अपने रूप को देखकर भगवान स्वयं मोहित हो जाते हैं। ठाकुर जी अपने रूप को देखकर स्वयं मोहित हो जाते हैं, ऐसा उनका रूप है। बाल लीला में जब मौक्त भाव की लीला ठाकुर जी ने की है, जैसे साधारण बालक में बुद्धि नहीं होती, बोध नहीं होता, तो कभी अपनी छाया से बात करने लगेगा, कभी छाया से डर जाएगा, ऐसी लीला ठाकुर जी ने की है। एक दिन यशोदा मैया के बड़े से नंद भवन में बहुत से सुंदर सुंदर मणियों के खंभे थे, तो मणियों के चमकते हुए खंभे में एक दिन ठाकुर जी ने अपने स्वरूप को देखा। चोरी कर रहे थे, तब तक मणि स्तंभ में देखा अपने ही स्वरूप को, तब तक देखा कि अरे ये तो कोई आ गया है और मुझे चोरी करते देख रहा है, जबकि कोई है नहीं, वो उनकी छाया है, प्रतिबिंब है, स्तंभ में दिखाई दे रहा है। तब तक यशोदा मैया आ गई, माखन को लिया, पीछे छुपा लिया। बोले मैया, माता कह ये कौन है देखना जरा स्तंभ में। बोले त्वदीयं गृहं प्रविष्टम नवनीत चोरयितुम, तेरे घर में ये माखन चुरा रहा था और मैंने इसको देख लिया, देख मुझे देखते ही इसने माखन छुपा लिया है। मैया हंस गई, बालक कैसा, मतलब बुद्धू कहें, पागल कहें, क्या कहें, अबोध होता है, ज्ञान नहीं होता। तो ऐसी लीला ठाकुर जी कर रहे हैं और अपने ही रूप को देखकर मणिस्तंभ में कहते हैं, मैया है तो चोर पर बहुत सुंदर चोर है, कितना सुंदर लग रहा है, क्या इसके नेत्र हैं, कैसे अधर ओष्ठ हैं। तो स्वस्य च सौभगर्दे विस्मापनम, अपने रूप को देखकर स्वयं मोहित हो जाते, इतना सुंदर स्वरूप है इस चोर का। परम पदम भूषण भूषणांगम, जिसके शरीर पर आभूषणों की शोभा भी बढ़ जाती है। गुण कैसे हैं? बोले अहो बकियम स्तन कालकूटम, जहर पिलाने वाली पूतना को भी मातृगति प्रदान कर रहे हैं, ये इसके दिव्य दैवी गुण हैं। मथुरा लीला किए हैं, आगे द्वारिका लीला किए हैं। उद्धव जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात कही, बोले उद्धव जी, ठाकुर जी की मेरे ऊपर तो बड़ी कृपा थी, जिस समय वो धाम गए हैं, धाम जाते जाते भी ठाकुर जी ने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैंने प्रभु को एक बात कही, कर्माण्य निहस्य भवो भस्यते दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायन, कालात्मनो यत प्रमदायुताश्रय स्वात्मन रते खिद्यति धीरविदा में। बड़ी सुंदर बात, देखो भगवान उस शक्ति का नाम है जिसमें सभी प्रकार के विरोधी गुण धर्मों का समावेश हो जाता है, सब प्रकार के विरोधी धर्म भी समा जाते हैं। अब जो अकर्मा है वो अकर्मा होकर कर्म कर रहा है, माखन चोरी लीला या असुरों का संहार, रास महारास लीला, ये सब क्या है, ये सब क्रियाएं हैं, ये सब कर्म है। तो जो अकर्मा है वो कर्म कर रहा है। भवो अभवस्यते, जो अजन्मा है, जो कहीं जिसका जन्म नहीं होता, और वो नंद बाबा के यहाँ, यशोदा मैया के यहाँ जन्म ले रहा है, देवी की मैया के यहाँ प्रकट हो रहा है, तो जन्म भी ले रहा है। और दुर्गाश्रयो थारी भयात पलायनम, जिसके भय से काल भी भागता है और वो भगवान जरासंध के आगे भागने लगा, या यशोदा मैया के डंडे से डर के रोने लगा, तो ये क्या विरोधी धर्म है? जिससे काल भी डरता है वो एक डंडे से डर रहा है, विचित्र लीला है। कालात्मनोयत प्रमदायुताश्रय, जो आत्मा राम है और वह 16,108 रानियों से विवाह कर रहा है, ये क्या है? ये सब विरोधी धर्म है, विरोधी लीलाएं हैं। और गौरव संहिता में एक लीला मिलती है, एक बार ठाकुर जी अंजन वन, बरसाने से पास में ही है आजनौ गांव, जिसे अंजन वन कहते हैं, एक बार
अंजन वन की गोपियां प्रतीक्षा कर रही थी श्याम सुंदर की कि ठाकुर जी आए और उनके साथ हम महारास लीला करें। तो रात में प्रतीक्षा करती रही, ठाकुर जी थोड़ा देर से पहुंचे। तो गोपियों ने पूछा, श्याम सुंदर आज तुम बहुत देर से प्रतीक्षा कर रही थी, आज आप इतने विलंब से क्यों आए? तो प्रभु बोले, आज हमारे गुरु जी आए थे भांडीर वन में, तो हम अपने गुरु जी के दर्शन करने के लिए चले गए, इसलिए देर हो गई। अरे तो आपके भी कोई गुरु हैं? बोले हाँ हाँ, हमारे क्यों नहीं, हमारे भी गुरु हैं। तो क्या तो हमें अपने गुरु के दर्शन कराओगे? ठाकुर जी बोले हाँ करने ही चाहिए, तो बड़े सौभाग्य की बात होगी, भांडीर वट में है, जाओ तुम लोग चली जाओ। तो जब गोपियाँ जाने लगी उससे, तो यमुना जी बड़ी हुई, बोले यमुना जी तो बड़ी हुई है, हम कैसे जाएंगे? तो ठाकुर जी बोले, तुम यमुना जी से कहना, हे यमुने, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। तो गोपियां बोली, तुम कहाँ से बाल ब्रह्मचारी हो गए? जन्म होते ही तो पूतना को मार दिया, गोपियों के घर घर में घुसे रहते हो, गोपियों के साथ रास विलास करते हो, तुम कहाँ से ब्रह्मचारी हो गए? तो ठाकुर जी बोले, नहीं तुम ऐसा कह देना। तो गोपियां गई, प्रार्थना की, हे यमुने, अगर श्री कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हो तो हमें मार्ग दे दो। इतना कहना ही था कि यमुना जी दोनों किनारे हो गई और उन्हें मार्ग मिल गया, गोपियां चली गई। अब बड़े बड़े थाल भर भर के बड़ी सुंदर सुंदर स्वादिष्ट वस्तुएं लेके गई थी, वही गुरु जी के पास जा रहे हैं, कुछ तो भोग लगाएंगी। तो वहाँ दुर्वासा जी थे, दुर्वासा जी को सब गोपियों ने प्रणाम किया इस भाव से कि श्री कृष्ण के गुरु हैं। तो दुर्वासा जी से प्रार्थना की कि आप हमारी क्या सेवा ग्रहण करेंगे? दुर्वासा जी बोले, देखो वैसे तो हम पौनाहारी हैं, दूर्वाहारी हैं, हम वायु ही पीते, हम कुछ खाते पीते नहीं हैं, पर तुम्हारी इच्छा है तो जो खिलाना चाहती हो वो खिला दो। तो गोपियों ने कहा, महाराज ये सेवा में हम लाए थे, ये व्यंजन है, ये लड्डू है, और तमाम प्रकार के पदार्थ गिना दिए। तो दुर्वासा जी बोले, ठीक है तुम्हारी इच्छा है तो खा लेंगे। तो अब जितने थाल भर भर के लाए गए थे, दुर्वासा जी एक मिनट में सब चट कर गए, सब खा पी गए। अब गोपियां जब वहां से आने लगी तो वही समस्या, यमुना पार कैसे करें? तो दुर्वासा जी से पूछा, ऋषिवर वहां से तो हम आ गई, अब यहाँ से कैसे जाएं? तो दुर्वासा जी बोले, तुम वहां यमुना जी से प्रार्थना करना, हे यमुने, अगर दुर्वासा जी सच में पौनाहारी हैं तो आप हमें मार्ग दे दो। गोपियां बोली, तुम कहाँ से पौनाहारी हो गए? अभी थाल भर भर के सब सामान खा गए और पौनाहारी बनते हो? भाई ये गुरु चेला की बात समझ में नहीं आई, वो रास रचाते रचाते ब्रह्मचारी बनते हैं, ये खाते पीते भी पौनाहारी बनते हैं। तो अब आज्ञा हुई तो कहा गोपियों ने कि हे यमुने, अगर दुर्वासा जी पौनाहारी हों तो हमें मार्ग दो। उसी समय यमुना जी ने मार्ग दे दिया, चली आई। तो क्यों? वो वह शक्ति है जिसमें सभी विरोधी धर्मों का आश्रय है। सूरदास जी ने एक पद में कहा है, चरित गोकुल राय बली बली, चरित गोकुल राय। ठाकुर जी की सब लीला चरित्रों की बलिहारी है, ये क्या लीला करे कुछ समझ में नहीं आता। पूतना के प्राण सुखे रहे उर लपटाय बलि बलि चरित गोकुल राय। अरे ऐसे भी कोई मारता होगा बताओ, छाती से लगा के पूतना को मार रहे हैं। छाती से लगा के किसी को मारा जाता है कि प्रेम किया जाता है? इनके लीला चरित्रों की बलिहारी है, कोई समझ नहीं सकता। दावानल को पान कर गए, दावानल को पान कर गए, पीवत दूध सिराय बलि बलि चरित गोकुल राय। दावानल में गैया बछड़ा फंस गए, तो ठाकुर जी ने दावानल आग को पी लिया। और जब यशोदा मैया कटोरा में भर के दूध देती है तो बड़े नखरे करते हैं, मैया दूध बहुत गर्म है, तो मैया फूंक मार मार के दूध को ठंडा करती है तब पीते हैं। और दावानल को पी गए तब इनको कुछ दावानल गर्म नहीं लगी, आग गर्म नहीं लगी। बड़ा सुंदर सूरदास जी महाराज का पद है, घोष नारी संग मोहन, घोष नारी संग मोहन, रचो
रास बनाए बलि बलि चरित गोकुल राय। कहत जननी ब्याह की तब हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों गोपियों के साथ करोड़ों करोड़ों यूथों के साथ जब रास महारास किया तब कोई संकोच नहीं आया। और मैया ने पूछा लाला विवाह करेगा तो लज्जा के कारण मुंह फेर लिया, शर्मा गए। कहत जननी ब्याह की तब हसत वदन दुराय बलि बलि चरित गोकुल राय। वृषभ भंजन हनत केशी हन्यो पुच्छ घुमाय बलि बलि चरित गोकुल राय। भजत सखन समेत मोहन देख ब्याही गाय बलि बलि चरित गोकुल राय। केशी घोड़े का रूप बना के आया, उसे मार दिया। व्योमासुर आया, मार दिया। अरिष्टासुर साण का रूप बना के आया, खेल खेल में मार दिया। और जब लाला के खिड़क में, नंद बाबा के खिड़क में एक गैया ने बछड़ा को जन्म दिया तो उस ब्याही गैया को देख के भाग गए, क्योंकि जब गैया बालक को जन्म देती है तो उस समय बड़ी मरखनी हो जाती है, बहुत क्रोधित हो जाती है। तो अरिष्टासुर को केशी को मारने वाले और एक ब्याही हुई गैया से डर जाते हैं, कौन समझेगा इन लीलाओं को। इसलिए सूरदास जी कहते हैं, बिना दीपक सदन में हरि नेक धरत न पाए। अघासुर मुख पैठ निकसे अघासुर मुख पैठ निकसे बाल बच्छ जीवाय बलि बलि चरित गोकुल राय। अगर मैया कक्ष में दीपक ना जलाए तो इतना अंधेरे से डरते हैं कि अंधेरे कमरे में घुसते नहीं है श्याम सुंदर। सूरदास जी कह रहे हैं अगासुर के मुंह में किसने दीपक जलाया था, उसके मुंह में तो आप घुसे चले गए, वहां तो डर नहीं लगा। और यशोदा मैया के भवन में दीपक ना जले तो डर लग जाता है, इतनी लंबी चौड़ी उसका मुंह गुफा की तरह, वहां किसने दीपक जलाया, वहां कहां से रोशनी आई, तब डर नहीं लगा। मैया के भवन में अंधेरे से डर जाते हैं। शेष महिमा कहत न आवे। अगर शंकर जी संकर्षण भगवान हजारों मुंह से भी ठाकुर जी की लीलाओं का वर्णन करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। सहस रस ना गाए, हजारों वाणियां भी इनकी गुण को गाएंगी तो नहीं गा पाएंगी, पार नहीं प्राप्त कर पाएंगी। सूरदास जी कह रहे हैं फिर मुझ बेचारे की तो एक ही जीव है, एक रसना सूर कहा कहे, एक रसना सूर कहा कहे, अंग अगणित भाय बलि बलि चरित गोकुल राय। चरित गोकुल राय बलि बलि चरित गोकुल राय। बोले शेष जी हजारों वाणियों से हजारों उनके जीव हैं नहीं गा सकते, फिर मुझ सूरदास की तो बेचारे की एक ही जीव है, एक जीव से कहाँ तक कौन कितनी लीलाओं को गाऊंगा, कितने गुण धर्म इनके गिनाऊंगा, अगणित गुण है। अगणित गुण और विरोधी गुण सबका जहां आश्रय है उस शक्ति का नाम है भगवान। सभी प्रकार के विरोधी धर्म, सभी प्रकार के विरोधी तत्व जिनमें समाये हुए हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं से उत्पन्न है, सब कुछ पैदा करने वाले वही हैं, चाहे धर्म है विधर्म है गुण है विपरीत गुण है, सब कुछ उनसे उत्पन्न हुआ है, सब कुछ उनमें समाता है, वह अद्वितीय शक्ति है भगवान। उद्धव जी महाराज ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। इसके पश्चात सारी रात कृष्ण चर्चा में बीत गई, विदुर जी को पता चला ना उद्धव जी को।
आखिर में ठाकुर जी के धाम गमन की लीला जब विदुर जी को सुनाई है उद्धव जी ने, तो विदुर जी रुदन करने लगे हैं। उद्धव जी ने कहा, विदुर जी आप चिंता मत करो, अब आप आगे जाके मैत्रेय जी से सत्संग करो, सत्संग के अभाव में महापुरुषों की ऐसी स्थिति हो जाती है। बोले उद्धव जी के साथ अब सत्संग हो गया, सत्संग के वियोग में रोने लगे विदुर जी। यमुना किनारे चलते चलते गंगा किनारे पहुंचे हैं, वहां मैत्रेय जी मिले हैं, और उसके बाद विदुर जी का सत्संग श्री मैत्रेय जी महाराज के साथ हुआ है। मैत्रेय जी से विदुर जी महाराज ने सृष्टि क्रम का प्रश्न किया है, मैत्रेय जी ने उसका वर्णन किया है। भगवत इच्छा से, भगवत प्रेरणा से ब्रह्मा जी ने तप किया है, ब्रह्मा जी ने सृष्टि के कार्य को आरंभ किया है। ब्रह्मा जी ने जो स्तुति की है यहाँ भगवान की, बहुत दिव्य स्तुति है। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की स्तुति की है और ठाकुर जी की आज्ञा से सबसे पहले 10 प्रकार की सृष्टि बनाई है। 10 प्रकार की सृष्टि में सब पशुओं की सृष्टि भी आ गई, पक्षियों की सृष्टि, हर तरह की सृष्टि आ गई। 9वीं सृष्टि मनुष्यों की थी और 10वीं सनकादिक मुनीश्वरों की। ब्रह्मा जी ने सनकादिक मुनि को कहा, आप विवाह करें और सृष्टि बढ़ाएं। सनकादिक मुनि ने मना कर दिया, नहीं आज्ञा का पालन किया। तो उनका जो क्रोध था वह एक नील लोहित बालक के रूप में बदल गया, जो रुद्र भगवान हुए। सनकादिक मुनि नहीं माने तो उनका जो क्रोध था वह रुद्र के रूप में प्रकट हुआ। रुद्र को कहा, भाई तुम सृष्टि बनाओ, तो भगवान रुद्र भी नहीं चाहते कि संसार में कौन फंसे, अपना स्वतंत्र रूप से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो रुद्र ने जानबूझ के ऐसी सृष्टि उत्पन्न की, कहीं भूत बना दिए, पिशाच बना दिए, राक्षस पैदा कर दिए। ब्रह्मा जी बोले, भैया संसार बनाने के लिए कहा है, मारने को नहीं कहा है। चलो तुम्हारे बस की नहीं है, बैठ जाओ तुम भजन करो। रुद्र प्रसन्न हुए, बोले हम भी यही चाहते थे, अपना भजन में तन्मय हो गए। पर सृष्टि नहीं बढ़ी। ब्रह्मा जी ने मन से 10 पुत्रों को उत्पन्न किया है, उन्हीं में एक नारद जी भी हैं, उनसे भी सृष्टि का विस्तार नहीं हुआ। तब एक दिन ब्रह्मा जी चिंतित हुए, उस चिंतित अवस्था में उनके शरीर के 2 भाग हुए, जिनमें एक स्वयंभू मनु और दूसरा उनकी पत्नी महारानी शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने इनको तप करने की आज्ञा की है। तप करके जब लौटे हैं तो ब्रह्मा जी ने आज्ञा की, अब तुम संतान उत्पन्न करो। मनु जी बोले, महाराज संतान उत्पन्न तो तब करें जब संतान को रहने को जगह हो। तो क्या उस समय पृथ्वी नहीं थी? बोले पृथ्वी उस समय रसातल में चली गई थी डूब के। तो ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी से प्रार्थना की है, प्रभु ये काम आप ही कर सकते हो। तब भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर उनके नासा छिद्र से, नाक के छिद्र से एक छोटे से वराह के रूप में उत्पन्न हुए हैं। उत्पन्न होते ही विशाल आकार धारण किया है और वराह भगवान सब उन्हें देखकर, सब ऋषि मुनि उनकी स्तुति करने लगे हैं। बोले श्री वारा भगवान की जय। वारा भगवान का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, प्रभु पृथ्वी का उद्धार करें। तब वारा भगवान गए हैं, रसातल को चीर कर पृथ्वी को ढूंढ कर लाए हैं, अपने दंताग्र पर पृथ्वी को शोभित किया है। और जब आने लगे तो वहाँ हिरणाक्ष नाम के दैत्य से उनका युद्ध हो गया। हिरणाक्ष को भगवान ने खेल खेल में मार दिया। विदुर जी विस्तार पूर्वक जानना चाहते हैं, ये कौन है, युद्ध कैसे हुआ, कैसे मुठभेड़ हुई। तो विस्तार पूर्वक मैत्रेय जी ने सुनाया है, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु ये जय और विजय नाम के ठाकुर जी के पार्षद थे। एक बार सनकादिक मुनि आए वैकुंठ में भगवान का दर्शन करने, तो इन्होंने बैंत अड़ाकर रोक दिया, क्योंकि सनकादिक मुनीश्वर हैं बड़े पूर्वजों के पूर्वज, लेकिन दिखने में 4-4 साल के छोटे छोटे बालक लगते हैं और सदा नग्न रहते हैं। तो वैकुंठनाथ भगवान के धाम में जाने से जब पार्षदों ने रोक दिया, तो मुनीश्वरों ने क्रोधित होकर उन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों के अंदर अभी तक भेद बुद्धि बनी है, जाओ आसुरी स्वभाव को प्राप्त हो जाओ। अब जब शाप मिल गया तो शरण में गए हैं। तब मुनिजनों ने कृपा करके कहा, 3 जन्म तक तुम्हें ये शाप रहेगा, उसके बाद फिर से धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तो भक्तापराध ऐसा अपराध है जो भगवत धाम तक भी नहीं छोड़ता। जय विजय साक्षात प्रभु के पार्षद हैं, लेकिन वहां से भी उनको गिरना पड़ा। सूरदास जी ने एक बड़ा सुंदर पद कहा, श्रीपति दुखित भक्त अपराध है।
सुनो सकल वैकुंठ निवासी सत्य कहो जनि मानो खेद। भगवान को भक्तापराध से बड़ा कष्ट होता है, वैकुंठ पार्षदों को समझा रहे हैं। सत्य कह रहा हूं, पूरा पूरा विश्वास करना। क्या कह रहे हैं ठाकुर जी? बोले जो सदैव मेरी पूजा करते हैं उनकी स्थिति क्या है? सुने सुनो सकल वैकुंठ निवासी सत्य कहो जनी मानो खेद। उन पर कृपा करो मैं कही विधि पांव को पूज और कंठ को छेद। बोले ऐसे लोगों पर मैं कृपा कैसे करूं जो मेरे चरणों की तो पूजा कर रहे हैं और मेरी गर्दन पर छुरी चला रहे हैं। भक्तों का अपराध मेरी गर्दन पर छुरी चलाना है, वो मुझे प्राण समान प्रिय हैं। उनके खूब घंटी हिलाएं, आरती घुमाएं, दंडवत करें, 10 घंटा बैठकर माला जपें। ठाकुर जी कह रहे मैं उनके एक भजन स्वीकार नहीं करता। यदि वो भक्त का तिरस्कार करते हैं तो उनको वह अपराध भोगना ही भोगना पड़ता है। मनुष्य कोई साधन ना करे, बस भक्तापराध से बच जाए तो भगवान मिल जाए, और साधन करता भी रहे और भक्तों का अपराध यदि किया तो वो साधन भगवत प्राप्ति कभी नहीं कराएगा और बल्कि अपराध को भोगना पड़ेगा। भगवत धाम से भी नीचे गिरना पड़ा, जहां जाके कोई लौटता नहीं है, लेकिन अपराध के कारण वहां से भी लौटना पड़ा जय विजय को। और वे दोनों ही दिति जी के गर्भ में आए हैं जो हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने हैं। भगवान ने अवतार लिया है, वराह रूप से हिरणाक्ष को समाप्त किया है और नृसिंह रूप से हिरण्यकश्यप को समाप्त किया है। इसलिए भगवान ने वहां उस प्रसंग में कहा है, छिंद्याम स्वबाहुम अपि वह प्रतिकूल वृत्तिम, अगर मेरी भुजा भी भक्तों का अपराध करेगी तो मैं उसे भी काट डालूंगा। छिंद्याम स्वबाहुम, अपनी भुजा भी, अपनी भुजा को भी मैं काट डालूंगा। फिर और कोई अवमानना करे तो मैं कैसे सह सकता हूं? मानस जी में स्वयं बृहस्पति जी देवराज इंद्र को, देवताओं को समझा रहे हैं, सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, राम जी का स्वभाव समझो, निज अपराध रसाहिना काऊ। कोई भगवान का अपराध करेगा तो भगवान क्रोधित नहीं करेंगे, पर जे अपराध भक्त कर करही राम रोष पावक तेज रही। जो भक्त का अपराध करेगा उसे ठाकुर जी की क्रोधाग्नि में जलना पड़ेगा। अपराध किया तो 3 जन्म के लिए आसुर योनि को प्राप्त हुए हैं। ठाकुर जी ने हिरणाक्ष का वध किया है, वराह रूप से अवतीर्ण होकर पृथ्वी को स्थिर किया है जल के ऊपर। आगे फिर स्वयंभू मनु को भगवान ने सृष्टि उत्पन्न करने की आज्ञा दी है, तब उनसे 5 संतानों ने जन्म लिया। 3 कन्याएं थी, आकूति देवहूति प्रसूति, और 2 पुत्र हैं प्रियव्रत और उत्तानपाद। इनमें से जो देवहूति जी हैं इनका विवाह ब्रह्मा जी के छाया पुत्र कर्दम जी के साथ हुआ है। कर्दम जी के साथ मैया देवहूति जी का विवाह हुआ, लेकिन विवाह के समय कर्दम जी ने एक शर्त रख ली। बोले जब तक संतान नहीं होती तब तक हम साथ रहेंगे, संतान होते ही हम संन्यास को चले जाएंगे। अब 12 साल हो गए देवहूति जी ने ऐसी सेवा की है, वहां सुखदेव जी ने प्रशंसा की है। बोले जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं वैसे मैया देवहूति जी ने कर्दम जी की सेवा की है। जबकि देवहूति जी राजकुमारी हैं और कर्दम जी तपस्वी ऋषि हैं, लेकिन वहीं जंगल में रह रही हैं, उनके अनुरूप रह रही हैं, और कर्दम जी तो ऐसे तपस्वी ऋषि, 12 साल हो गए उन्हें ये भी पता नहीं कि हमारा विवाह भी हुआ है। एक दिन स्मरण में आया, देवहूति जी की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए, पूछा आपको क्या चाहिए? तो मैया देवहूति जी ने गृहस्थ का सुख मांगा, तो उन्होंने उनसे 9 कन्याओं को जन्म दिया। कन्याओं का जन्म हुआ और कर्दम जी तो चल दिए, अपना सब सामान उठाए और अपना कंबल आदि धारण करके चलो भाई संन्यास को चलें। तो मैया देवहूति जी रुदन करने लगी, बोले आप जैसे देवतुल्य पुरुष को पाने के बाद भी मैं विषयों में डूबी रही, स्वामी अगर आप चले जाएंगे तो मुझे भवसागर से कौन पार करेगा? तो कर्दम जी को ऐसी अंत प्रेरणा हुई कि माता देवहूति जी के सेवा प्रभाव से स्वयं भगवान उनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्म लेंगे और उन्हें भव भय नाशक दिव्य उपदेश देंगे। तब कर्दम जी ठाकुर जी की प्रतीक्षा के लिए वहाँ रुके हैं और मैया देवहूति जी ने, मैया देवहूति जी के गर्भ से
सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए स्वयं भगवान कपिल रूप में प्रकट हुए हैं। बोलिए श्री कपिल देव भगवान की जय। करदम जी प्रणाम करके उनका आज्ञा पाकर करदम जी वहां से चले गए हैं। इधर कपिल भगवान मैया देवहूति जी के साथ रहने लगे। एक दिन माता देवहूति जी ने प्रार्थना की है, आप मुझे भव भय नाशक उपदेश दें, मैं आपकी शरण में। बहुत सुंदर कपिल देवहूति संवाद भागवत जी का बड़ा प्रसिद्ध संवाद है और सभी प्रकार की शंकाओं का, सभी प्रकार की जिज्ञासाओं का समाधान इस संवाद में मिल जाता है। मैया देवहूति जी चाहती हैं कल्याण, तो कपिल भगवान ने कहा मैया आप कल्याण चाहती हैं, लेकिन कल्याण का क्या स्वरूप है ये पहले समझना चाहिए। कल्याण का एक ही मार्ग है, वह है योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय। केवल आध्यात्मिक मार्ग से ही कल्याण है, यानी भक्ति मार्ग से ही कल्याण है। आध्यात्मिक मार्ग की क्या पहचान है, तो बोले अत्यंत उपरतिर यत्र, सुख और दुख की जहां उपरति हो जाती है, जहां ना सुख का अनुभव हो, जहां ना दुख का अनुभव हो, उस योग का नाम है आध्यात्मिक योग, और उस आध्यात्मिक योग से ही कल्याण होता है। बड़ी सुंदर बात कही, बोले हमारा मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। गुणेशु सक्तम बंधाय रतम वापंसी मुक्तये। अगर मन संसार में चला गया तो यही मन बांध देगा, और यही मन भगवान के चरणों में लग गया तो यही मन मुक्ति दिला देगा। एक ही मन है, लेकिन हम सबका मन जो है यह बंधा हुआ है, ये दूषित है, अनेक प्रकार के मल मैल इसमें भरे हुए हैं। कौन सा मैल है, तो बोले अहम ममाभिमानोत्थई काम लोभादिभिर मलई। अहंता और ममता रूपी मैल हम सबके मन में भरा हुआ है, अहंता और ममता। हम लोग विचार करें हर छोटे कर्म के पीछे हमारी अहंता है, चलने फिरने में भी मैं चल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, हर एक काम के पीछे मैं छुपा हुआ है। तो ये क्या है, ये कषाय है, ये मैल है एक मन का, ये दूषण है मन का। और महापुरुषों की स्थितियां होती हैं, भक्तमाल जी में चरित्र है, भक्तमाल जी जिन महापुरुष ने लिखी है उनका नाम है श्री नाभाजी महाराज। नाभाजी के गुरु थे श्री अग्र स्वामी जी। एक बार नाभाजी अपने गुरुदेव को पंखा झल रहे थे, और अग्र स्वामी जो थे वो नेत्र बंद करके मानसी सेवा में सीताराम जी को पंखा झल रहे थे। तो अग्र स्वामी जी के एक शिष्य थे जो कि व्यापारी थे, तो वो व्यापारी जो था जहाज में अपना व्यापार करता था, सामान इधर से लाना उधर ले जाना। एक दिन भयंकर तूफान आया, जहाज जो था डगमगाने लगा, तो उसने अपने गुरु को बुलाया, गुरुदेव रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अग्र स्वामी जी जो उनके गुरु थे वो उस समय मानसी सेवा में थे, उन्हें अचानक से अपने शिष्य की आवाज़ सुनाई दी, तो वो वहीं पहुँच गए जहाँ शिष्य का जहाज फंसा हुआ था, और वहाँ उसे ऐसे करके आशीर्वाद दिया और हाथ ऊपर करके कि जा तेरी रक्षा हो गई, और अपने आप थोड़ी देर में सब तूफान गायब हो गया और जहाज बच गया। पर करुणा शक्ति कृपा शक्ति ऐसी थी कि उस पर करुणा करके वो वहीं देखते रहे, भूल गए कि हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। और नाभाजी जो उनके शिष्य थे जो अपने गुरु को पंखा झल रहे थे, उन्होंने सोचा गुरुदेव, वो उनकी भी स्थिति उस राज्य में थी, मानसी सेवा के राज्य में वो भी वहां पहुंच गए थे। तो नाभाजी ने देखा कि गुरुदेव ने अपने शिष्य का जहाज तो बचा दिया, पर अभी अपने ठाकुर की सेवा में लौटे नहीं हैं। तो नाभाजी जोर से बोले, गुरुदेव शिष्य का जहाज तो बच गया, आप अपनी सेवा में लौटे। अब तो अग्रस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे ये नाभा भी उस स्थिति में पहुंच गया। अग्रस्वामी जी ने कहा, तुम कौन हो? तो नाभाजी ने ये नहीं कहा कि मैं नाभा हूं, बोले ये वही है जो आपका जूठन खा खा के पला है, ये वही आपका शिष्य है जो सीत खा खा के जिसका पालन पोषण हुआ है। अगर ये कह देते कि मैं नाभा हूं तो ये एक अभिमान की वाणी हो जाती,
और बोले आपकी जूठन से पला हुआ व्यक्ति है ये, आपकी जूठन से पला हुआ जीव है। अग्र स्वामी जी बस समझ गए, इसकी स्थिति भी मानसी सेवा में पहुंच गई है, ये भी भाव जगत में पहुंच गया है। तो वाणी में भी, एक वाक्य में भी अभिमान नहीं झलकता महापुरुषों के। जड़ भरत जी को राजा रघुवर ने कैसे पहचाना, इसी मापदंड से पहचाना था। जड़ भरत जी ने कोई वलकल वस्त्र नहीं पहने हुए थे, या कोई कंठिया माला नहीं पहनी हुई थी, कोई चंदन छापा नहीं लगाया हुआ था, एक सामान्य पागल जड़ की तरह रहते थे, इसलिए जड़ भरत नाम था। लेकिन राजा रघुवर पहचान गए उनको कैसे, विश्व सुरित सखस्य साम्येन वीताभिमते तवापि, बोले ये वीताभिमति है, इसके अभिमान नहीं है इसके अंदर, इसका मतलब ये कोई बहुत बड़ा महापुरुष है। अभिमान न होना ये साधु जनों की पहचान है, लक्षण है। साधु कोई वेशवाचक शब्द नहीं है, साधु गुणवाचक शब्द है। गुणों से साधुओं की पहचान होती है, वेश से साधुओं की पहचान नहीं होती है। तो बस इतने से पहचान गए कि वीताभिमति अभिमान नहीं है इसमें, और अभिमान से ही सब विकार पैदा होते हैं। काम लोभ आदि भिरमली, काम भी अभिमान है तो काम पैदा होगा, लोभ पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा। 11वें स्कंद में लिखा है 9 चीजें अभिमान से पैदा होती हैं, शोक हर्ष भय क्रोध लोभ मोह स्पृहादय अहंकारस्य जन्मन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः। हमारा अभिमान ही रोता है, हमारा अभिमान ही हंसता है, हमारा अभिमान ही डरता है, हमारा अभिमान ही चिंता करता है, हमारा अभिमान ही कामना करता है, और हमारा अभिमान ही जन्म लेता है और अभिमान ही मरता है। 9 बीमारियां हैं जो अभिमान से पैदा होती हैं। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोक दायक अभिमाना, अभिमान नष्ट तो सब विकार नष्ट। तो काम लोभादि फिर मले ही, अभिमान नहीं है तो क्रोध का अवसर है तो भी क्रोध नहीं होगा, काम का अवसर है तो भी काम नहीं पैदा होगा। शुक रंभा संवाद में आता है, सुखदेव जी नव युवक हैं, सुंदर नदी के किनारे बैठे हैं, सुंदर मौसम है, सुंदर वातावरण है। एक अप्सरा आई रंभा, बोली देखो कितना सुंदर नदी है, क्या नज़ारा है, तुम जैसा कोई युवक नहीं है, मेरे जैसी कोई युवती नहीं है, ऐसे सुहावने अवसर पर कौन नहीं विषय भोग करेगा। तो सुखदेव जी उस अप्सरा को देखकर कहते हैं, सुंदर नदी है, सुंदर वन है, सुंदर एकांत स्थान है, मुझ जैसा युवक है, तुम जैसी युवती है, ऐसे समय पर कौन नहीं भजन करेगा। तो काम का अवसर उपस्थित है पर काम उत्पन्न नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वीताभिमति है, अभिमान नहीं है। मैंपन होगा तो काम पैदा होगा, मैंपन होगा तो क्रोध पैदा होगा। अब जड़ भरत जी को इतना फटकारा रघुवर ने, पर जरा भी मुख पर कोई क्रोध की रेखा नहीं आई, जरा भी रेखा नहीं आई। तू पागल है, तू दुष्ट है, तेरा उपचार करूंगा, तुझे दंड दूंगा, कितना कुछ कहा। चाहते तो क्रोध कर सकते थे और समर्थ पुरुष थे, एक दृष्टिपात करते और जल जाता रघुवर, पर क्रोध का अवसर है तो भी क्रोध उत्पन्न नहीं किया, क्यों, क्योंकि वीताभिमति पुरुष है। जब हमारे चित्त में अभिमान की दीवार होगी तो कोई भी वस्तु टकराकर वापस लौट आएगी। जैसे बालक गेंद खेलते हैं तो अगर दीवाल नहीं है तो गेंद पार चली जाएगी, अगर दीवाल है तो वो टकरा के लौट आएगी। तो अभिमान की दीवाल में हमारे प्रतिकूल बात जब आके टकराती है तो क्रोध पैदा करती है, गुस्सा पैदा करती है, द्वेष पैदा करती है। जब दीवाल ही नहीं है तो बात जाएगी और पार निकल जाएगी। वीताभिमति पुरुष, अभिमान सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ा। अगर दैन्य आ जाए, दैन्य क्या, बालक, हम ठाकुर जी के गोद के बालक बन जाएं, तो हनुमान जी की दीनता रामायण जी में बहुत प्रसिद्ध है। रामचरितमानस में हनुमान जी ने राम जी से कहा है, प्रभो अनंतानंत जीवों में सबसे अधम मैं हूँ, सबसे निकृष्ट हूँ। राम जी ने जब ये सुना तो आंसू आए, हृदय से हनुमान जी को लगा लिया। बहुत सुंदर पढ़ने योग्य प्रकरण है। गोद का बालक यदि बन जाए, गोद के बालक से मतलब इतना अभिमान शून्य हो जाए, बालक को मारो फटकारो 2 मिनट में तुरंत वही स्थिति, खेलना कूदना हंसना शुरू हो जाता है। वही बड़ा हो जाए तो कहो तो माँ बाप से 10 दिन ना बोले, ऐसे ऐसी स्थितियाँ हो जाती हैं, जीवन भर ना बोले, माँ बाप को छोड़ दे,
क्योंकि भागवत जी में लिखा है सह देहेन मानेन, शरीर के साथ अभिमान बढ़ता है। जैसे जैसे शरीर बढ़ता है वैसे वैसे अभिमान बढ़ता जाता है। बाल्यकाल में मान नहीं होता, मारो झड़को तो नहीं जाऊं, सरक सरक तुम ही पे आऊं। सहजोबाई ने अपने पद में कहा हरि जननी मैं बालक तेरा, हरि जननी मैं बालक तेरा। बहुत सुंदर सहजोबाई का पद है। तो गोद का बालक बन जाए, गोद का बालक, गोद के बालक से मतलब अभिमान ना हो। एक बड़ा सुंदर पूज्य बाबा महाराज सत्संग में बताते हैं, उन वो जब पढ़ते थे तो कोई अंग्रेज या तो लेखक थे या कवि थे, टेरिसन उनका नाम था, पूज्य बाबा महाराज सत्संग में बताते हैं, तो उन्होंने बड़ी सुंदर एक कविता लिखी, हु एम आई, मैं कौन हूँ। कैसी स्थिति होनी चाहिए दैन्य रहित व्यक्ति की, नो लैंग्वेज बट ही क्राई। बालक के पास कोई भाषा नहीं होती बोलने की, बस रोता है, लेकिन उसके रोने की भाषा को भी मैया समझ जाती है। वो केवल रोता है, छोटा सा एक दो महीने का बालक हो, वो पेट में दर्द है कि ठंड लग रही है कि जाड़ा लग रहा है कि भूख लग रही है, कुछ बता नहीं सकता। जब गोद के बालक हम ठाकुर जी के बन जाएंगे तो जैसे मैया गोद के बालक का कितना ख्याल रखती है, कितना ध्यान रखती है, उसके रोने में भी क्या छिपा हुआ है मैया सब जानती है। अब इसे भूख लगी है, अब इसको कहीं ना कहीं पीड़ा है, कह नहीं सकता, पर मैया उसके रोने की भाषा को भी समझती है। वैसे ही जब किसी भी साधन का अभिमान नहीं रहेगा, केवल ठाकुर जी का कृपा का भरोसा रहेगा, तो ठाकुर जी भी हमारा वैसे ही पालन पोषण करेंगे जैसे एक माँ अबोध बालक की रक्षा करती है, पालन पोषण करती है। गह से सुबच्छ अनल अहि दहाई, तहां राखे जननी अरगाई। रामचरितमानस में कहा है बालक को नहीं पता कि आग जला देगी या सर्प काट लेगा, सर्प पकड़ने दौड़ता है, कभी आग में हाथ डालने दौड़ता है, पर दौड़ दौड़ के कौन बचाता है, माँ बचाती है, माँ रक्षा करती है। ऐसा दैन्य, ऐसी वीताभिमति जब स्थिति आ जाएगी तब ठाकुर जी के द्वारा कृपा प्राप्त होगी, सब दूषण दूर हो जाएंगे। तो भगवान ने आगे कपिल भगवान कह रहे हैं संतों में मन लगाया जाए। कैसे संत, संतों में मन लगाने से क्या होगा? बोले मुझ में मन लगाना कठिन है क्योंकि मैं दिखाई नहीं देता, पर संतों में मन लगाना सहज है, वो दिखाई दे रहे हैं, वो बात भी करेंगे, वो सत्संग भी करेंगे। तो सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम, साधु पुरुषों का संग करो बस यही मोक्ष का खुला द्वार है। कपिल भगवान ने सत्संग की महिमा का प्रकाश किया। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे।
कपिल भगवान ने सत्संग महिमा का प्रकाश किया है। मैया देवहूति जी को बड़ा सुंदर आगे भक्ति धर्म का उपदेश किया है, संतों के लक्षण बताए हैं, भक्ति का स्वरूप बताया है। कल संक्षेप में इन विषयों की हम लोग चर्चा करेंगे। आज तो समय अधिक हो गया है, आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे। एक रसिया छोटा सा होगा, उसके बाद आरती होगी। सब के साथ भी जरूर है।